कुछ चीजें जाएंगी, तो जो लोग पहले का क्लास जो लोग किए हैं उन लोग का लास्ट है ये क्लास, ठीक है? मतलब उसके बाद आगे जाएगा सभी के लिए, बुझा रहा है? अरे हाँ ना, तो जो लोग भाई अभी लग रहा ना ऐसा घर में सब आया है और घर से सब मतलब क्या बोलते हैं रक्षाबंधन मना के अरे बकरा उकरा खा के, ठीक है, और सब सुस्त पड़ा हुआ है, एक बार जोर से बोलना यस और नो। बहुत बढ़िया, पीछे जोर से यस और नो। अरे यस बोलने से साइकोलॉजिकल बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट आता है, लेकिन फिर भी अब बकरा इतना खाया हो कि कुछ लोग को उल्टी हो रहा है, ठीक है? चलो खैर निकाल लीजिए, एक बार 87 निकाल लीजिए, जो भी है जैसा भी है, जो लोग को नहीं कुछ भी समझ में आया है उसको भी समझ में आएगा, तो आराम से आप देखिएगा, ठीक है, नॉर्मली। और ये ऐसा चैप्टर है जो बहुत ईजी है, जिसका पीछे से कनेक्शन काफ़ी कम है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बुझा रहा है? तो 87 एक बार ओपन कर लीजिए, आप एक बार उनसे शेयर कर लीजिएगा, ठीक है? और रॉक है उस पर, दिख रहा है? कल मैंने रॉक का मोटा मोटा मीनिंग बताया था आपको, आज रॉक का चूंकि पूरा डिटेलिंग है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन तीन बनते हैं यूपीएससी में, तो तीन क्वेश्चन बनते हैं तो इतनी आसानी से उसको जाने नहीं देंगे, ठीक है ना? चलिए आइए, खोलिए, ओपन कर लिए 87। गुड, 87 में क्या दिख रहा है पहले ये तो बताओ। रॉक इन डिटेल्स दिख रहा है, तो पहले मैंने कल कुछ चीजें बताई थी, उसको रिपीट करता हूं एक बार। लावा जब ऊपर आएगा, सुना ध्यान से, अब लावा ऊपर आ चुका है ज्वालामुखी के थ्रू, लावा जब ऊपर आएगा तो क्या होगा, ठंडा होगा, ठंडा होगा तो क्या धीरे धीरे सॉलिड फॉर्म में जाएगा, और सॉलिड फॉर्म में जाएगा तो धीरे धीरे क्या है, रॉक कन्वर्ट होने लगेगा, ठीक है? मैंने कुछ बातें बताई थी आपको कि बेसिक लावा है और एसिडिक लावा है, तो एसिडिक लावा क्या है, स्लो मूव करेगा, और बेसिक लावा फास्ट मूव करेगा, नॉर्मल दिमाग में रख लीजिएगा। अब सर एक और बात ख्याल रखना है कि बेसिक लावा से कौन सा रॉक बन रहा था, बसाल्ट रॉक, कौन सा रॉक, बसाल्ट, और उसी बसाल्ट रॉक के कारण इंडिया के जो आपके गुजरात और महाराष्ट्र वाले हिस्से हैं वहां कौन सा सॉइल बन रहा था, ब्लैक सॉइल, कौन सा सॉइल, ब्लैक सॉइल। देखो बसाल्ट से बना बसाल्ट रॉक तो बन ही रहा है, लेकिन उसमें है क्या, बेसिक लावा, बेसिक लावा से फिर कन्वर्ट होकर क्या बन जा रहा है लास्ट में, ब्लैक सॉइल। हर चीज का जो लावा ऊपर आया है उसमें सेडिमेंटेशन, एक दिन में तो होता नहीं है, अरे ऐसा होता है कि एक दिन में इधर पहाड़ निकला दूसरी तरफ मिट्टी बन गया, ऐसा तो प्रोसेस है नहीं, इट टेक्स टाइम, अच्छा खासा टाइम लेता है, सुन पा रहे हो सब? तो टाइम जब अच्छा खासा लेता है तो उस टाइम में क्या क्या होगा, क्या नहीं होगा, उस चीज को देखेंगे। पहले प्लीज देख लो इधर, तो रॉक्स के तीन टाइप है, कितने, फर्स्ट इग्नियस, दूसरे सेडिमेंट्री, और तीसरा मेटामॉर्फिक। बस एक एक लाइन से मीनिंग समझ जाओगे पूरा डिटेल। तो रॉक्स के अगर तीन है तो पहला क्या हो गया, दूसरा सेडिमेंट्री हो गया, और तीसरा मेटामॉर्फिक हो गया। सबके मीनिंग पे ध्यान दो, कभी रटना नहीं है, वही बोला ना बार बार कि रटना होता है इधर आने नहीं है। तो देखो इग्नियस रॉक है, यहाँ इग्निस जो वर्ड आया है, इग्निस मतलब होता है फायर, तो ऐसे वो सारे रॉक जो लावा से बने हैं डायरेक्ट, मतलब लावा निकला फिर कूल डाउन हुआ और कूल होकर कंप्लीट क्या बन गया, रॉक, सुन पा रहे हो? अब ये इग्निस का मतलब पूरा का पूरा जो है एग्जैक्ट मीनिंग है। दूसरा इधर है सेडिमेंट्री, तो सेडिमेंट्री मतलब होता है अवसाद, तो नदी के अपने साथ जो लेकर आ रही है वो कहीं ना कहीं क्या करेगी, डिपॉजिट करेगी। अब डिपॉजिट करते 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 धीरे धीरे भी क्या होगा, हार्ड होने लगेगा, और हार्ड होकर उससे जो रॉक बनेगा उसको क्या बोलेंगे, बोल लो, सेडिमेंट्री। एंड थर्ड है मेटामॉर्फिक, तो मॉर्फिक, मॉर्फिक मतलब होता है चेंज इन फॉर्म, रूपांतरण, मतलब एक चीज था पहले मान लो, अब उससे कोई और चीज बन गया, तो पहले मान लो स्लेट बनाने से पहले कुछ और था, अब उसको हमने हीट दिया या प्रेशर दिया तो उसके कारण कुछ और बन गया, बुझा रहा है? एक मोटा मोटा मीनिंग है तीनों रॉक का, सबको समझ में आ रहा है पक्का? प्लीज जोर से बोले यस और नो, और आराम से समझ। अच्छा जो नहीं बोलेगा उसको पाप लगेगा, मतलब मैं बोल रहा हूँ लेकिन ऐसा नहीं है, इधर देख लो, तीन रॉक है, इग्निस मतलब क्या, प्लीज बोलो तेज में, इग्निस फायर। इग्निस का मीनिंग सिंपल है कि जो डायरेक्ट लावा से बना हो, डायरेक्ट किससे, लावा से, तो सारे रॉक जो डायरेक्ट लावा से बने उनको क्या बोलेंगे, इग्नियस रॉक। वो रॉक जो सेडिमेंट से बने, दैट इज व्हाट, सेडिमेंटरी रॉक। एक वैसा रॉक जिसका फॉर्म चेंज हो चुका है उसको क्या बोलेंगे, मेटामॉर्फिक। यहां तक क्लियर है? अब इन तीनों का डिटेलिंग करने के लिए बहुत अलग अलग तरीके से करेंगे, तो पहले आते हैं इग्नियस पे, इसको पकड़ेंगे, इसका पूरा डिटेलिंग करेंगे, देन अगेन इसका, फिर इसका, रेडी हो, बता लें? ठीक, तो इग्नियस में आ जाओ, और इग्नियस में आपको दो टाइप का दिखेगा, देख लो ध्यान से, एक दिखेगा एसिडिक, एक दिखेगा बेसिक, और एक दिखेगा इंटरमीडिएट। तो एसिडिक इधर इधर देख लो, एसिड बेसिक और इंटरमीडिएट क्या है, नॉर्मल बात समझ लो ध्यान से, समझ में आ जाएगा क्या, इधर इधर, ऐसा रॉक जो एसिड लावा से बना हो, लावा में क्या है, एसिड। अच्छा एसिड लावा किसको बोलते हैं,
किसको? जिसमें सिलिका का मात्रा क्या हो? ज्यादा हो। तो एसिड लावा उसको बोलेंगे जिसमें सिलिका का मात्रा ज्यादा हो। तो जिसमें सिलिका का मात्रा ज्यादा हो उससे जो लावा निकल रहा है उसको बोलेंगे एसिडिक लावा, और वही एसिडिक लावा कन्वर्ट होकर कौन सा रॉक बन रहा है? इग्नियस रॉक। कौन सा रॉक? अब आ जाना इधर बेसिक पे, एकदम रिलैक्स रह के समझ लेना। बेसिक लावा में क्या बोला था? सिलिका का मात्रा कम, अदर मेटल्स मिनरल्स का मात्रा ज्यादा। तो सर एक बात बताओ, एसिड का कलर, जो एसिडिक रॉक का कलर होगा, एसिडिक इग्नियस रॉक का, वो लाइट कलर होगा कि डार्क होगा? लाइट कलर होगा, हल्का होगा, क्योंकि सर उसमें अदर मिनरल्स बहुत कम है, उसमें सिर्फ सिलिका का मात्रा ज्यादा है। लेकिन बेसिक में तो क्या है सर, ऐसा रॉक जिसमें अदर मिनरल्स काफी क्या है? ज्यादा। तो वो जो रॉक होगा वो काफी डार्क होगा, गहरा होगा, ब्लैक होगा। समझ में आ रहा है? तो एक हो गया एसिडिक, एक हो गया बेसिक, अब एक ही हो गया। तीसरा पार्ट है वो जिसमें सर एसिडिक भी थोड़ा हो, थोड़ा बेसिक भी हो, उसको बोलेंगे इंटरमीडिएट। क्या बोलेंगे? और सर क्लास भी पढ़ते हैं तो ये होता है ना इंटरमीडिएट, 12वीं क्लास। ना तो आप बहुत ज़्यादा अभी बड़े हुए हैं और ना ही आप बहुत ज़्यादा छोटे हैं, तो उसके बीच का कौन सा है? इंटरमीडिएट है। 10th में हैं आप, तब तक छोटे हैं। अब आप क्या हुआ? बड़े हो गए, लेकिन इतने भी बड़े नहीं हो कि पापा से जुबान लड़ा लीजिए। तो सर 12th इज इंटरमीडिएट। सिमिलरली इंटरमीडिएट क्या है? जिसमें एसिडिक का भी थोड़ा मिक्सचर हो, थोड़ा किसका? बेसिक का भी। तो सर तीन तरीके का इग्नियस रॉक हो गया, एक हो गया एसिडिक, और दिमाग में बैठाना, रटना नहीं है, एकदम फील करते रहो चलते फिरते। तो ये एसिडिक क्या है बोल लो ना जरा, एसिडिक क्या है? जिसमें क्या हो? सिलिका का मात्रा ज्यादा हो। बेसिक इग्नियस रॉक अदर मटेरियल से ज्यादा, उससे जो रॉक बन रहा है उसको क्या बोलेंगे? बेसिक इग्नियस रॉक। थर्ड है आपका इंटरमीडिएट, जिसमें 50% ये भी हो, 50% हो। बुझा रहा है? तो ये इग्नियस का पार्ट हो गया। अच्छा इग्नियस का मतलब बना किससे है? डायरेक्ट लावा से। तो डायरेक्ट लावा निकला, कूल डाउन हुआ, अब लावा ऊपर आएगा तो क्या? ठंडा होगा, और ठंडा होता हो तो फिर हार्ड बनेगा, और हार्ड बनेगा उससे जो रॉक बने उसको क्या बोले? इग्नियस रॉक। यहाँ तक क्लियर है सभी को? यही हो ना सब? चलो अब सर उसके बाद आप पेज नंबर 87 पे अब जरा देखो, उसमें कुछ भी ऐसा देखो जो बचा हुआ है, कुछ भी बचा हुआ नहीं। देखो ध्यान से, क्विक, एक सेकेंड में नहीं बल्कि 50 सेकेंड में स्कैन मारो पूरा। तो रॉक इन डिटेल आपको दिख रहा होगा, है ना? तीन पार्ट और दिख रहा होगा, देखो वहां पे टाइप्स होगा, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, दिख रहा है? बोलो। और उसके नीचे आते जाओ, इग्नियस का मीनिंग दिख रहा है, फिर उसके इग्नियस के नीचे उसके टाइप्स दिख रहे होंगे, एसिडिक, बेसिक। और जस्ट उसके नेक्स्ट पेज पे जाओ, नेक्स्ट पेज पे आपको एक और चीज दिखेगा, इंटरमीडिएट, वहां तीनों को डिफाइन किया हुआ है, दिख रहा है? पेज नंबर 88 दिखा? पक्का? ठीक है, आ जाओ। अब उसमें एक एग्जांपल दिखा हुआ ग्रेनाइट का, तो ग्रेनाइट में कौन सा, किस चीज का एग्जांपल है? एसिडिक लावा रॉक का एग्जांपल लिखा हूं, और बेसिक लावा रॉक का एग्जांपल आपका अलग है, बाकी आप डार्क कलर और लाइट कलर दिमाग में रखिएगा। तो लाइट कलर किसका होगा? एसिडिक का कि बेसिक का? एसिडिक का। नीचे इंटरमीडिएट लिखा हुआ है, कुछ एग्जांपल इंटरमीडिएट का, डायोराइट एंड एंडेसाइट। तो डायोराइट रॉक और एंडेसाइट रॉक जो क्या है, ये सर आपका इंटरमीडिएट इग्नियस रॉक होगा। बुझा रहा है? अरे है ना, नीचे आओ। अब इग्नियस रॉक है 3 टाइप्स, उसको छोड़ दो, एक कंप्लीट है। अब सीधा आ जाओ आप कहां पे, और मैंने आपको पहले भी एक बात बोला था, एसिडिक जब भी मैं बोलूं उसका संबंध हमेशा डायरेक्टली रखना सेंट्रली इरप्शन से और कन्वर्जेंस से। किससे? सेंट्रली और कन्वर्जेंस। तो मैंने एक ट्रिक बताया था CCFD, तो थोड़ा दिमाग में रखिएगा एसिडिक लावा जनरली, बट मैंने क्या बोला, फिजिकल ज्योग्राफी में कभी रिजिड नहीं होना, हाँ हमें बस जनरल टर्म में जनरलाइज करके हुए चलना है। बुझा रहा है? तो सर अभी क्या मैंने बोला, दो चीज बोला, सबसे फर्स्ट एसिडिक का कलर लाइट की डार्क, बोल दो जल्दी से, लाइट कलर, बेसिक का डार्क, यहाँ तक ठीक है। अब सर एक स्टेप आगे जा रहे हैं और दो बात को समझना, और मुझे खुद आप बताना कि सही है गलत है, ठीक है? आप अगर बता दिए काम बन गया। मान लो एक ऐसा लावा निकला और वो लावा ऊपर आ गया, अब एक लावा का मैं आपको 3 कंडीशन देता हूं, और जो सही बता देगा उसको थार मिलेगा आज, ठीक है? तो पहला पॉइंट है ए, मान लो ए, ये अर्थ सरफेस के ऊपर ही जस्ट मान लो। दूसरा एक और पॉइंट मान लेते हैं लेट्स बी, थोड़ा उससे नीचे, और एक पॉइंट है सी। बुझा रहा है? तो मान लीजिए अगर कोई रॉक है, अगर लावा कोई नीचे है मान लीजिए, ठीक है, ठंडा हो, मतलब ठंडा किसी कारण से वो थोड़ा बहुत हो रहा है, सबसे पहले तो नॉर्मली बताओ कि सबसे ज्यादा तेज कूलिंग कहां पे हो रहा होगा? ऊपर में। अरे जब एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आएगा तो सर उसको क्या है, सनलाइट, एयर, वाटर, सारा कुछ मिल रहा है, तो सर सबसे ज्यादा कूलिंग होने का चांस कहां है? ए पे, और उससे फिर थोड़ा कम बी पे, और सी पे काफी कम। मतलब कहने का क्या, अब मुझे एक बात बताओ, एक कहावत सुनोगे कि जितना ज्यादा जलाओगे मेटल को, धातु को, उतना ही बढ़िया क्वालिटी का बन के आएगा। मतलब ना हीरा और सोना बनने के लिए तपना पड़ता है, मतलब कुछ ऐसा है लॉजिक।
अरे है ना। तो सर इसका लॉजिक ना बहुत अच्छा है ज्योग्राफी के हिसाब से। देख लो, ऐसा कोई रॉक जो काफी नीचे है वो काफी, देखो आराम आराम से जो खाना बनेगा ना, जैसे आप लोग बकरा उकरा खा के आए मान ली, तो उसी पे एग्जांपल ले देते हैं। तो कोई खाना अगर आराम आराम से बन रहा है, धीमी आंच पे जो बन रहा है, तो नहीं बोलते धीमी आंच पे पकाओ, तो धीमी आंच पे पकाते हो तो बढ़िया पकेगा। अच्छा बैचलर लोग को जल्दीबाजी रहता है तो जल्दी जल्दी पकाए सर, कच्चे मतलब आधा से ज्यादा तो कच्चा होता है, पहली बात। अगर धीमे धीमे ज्यादा नीचे है जिसका कूलिंग स्लो है सर, उसका शेप काफी अच्छा बनेगा। अरे बुझा रहा है, क्योंकि उसको टाइम लगा है अपने आप को फॉर्मेट करने में, अपने आप को बढ़िया से बनाने में, तो धीरे धीरे वो जल रहा है, धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, तो पूरा शेप और स्ट्रक्चर काफी अच्छा होगा। जो ऊपर जल्दी ठंडा हो गया उसका उतना शेप बढ़िया नहीं होगा, सुन पा रहे हैं? तो इसीलिए कहा जाता है कि धीमे धीमे अगर आप आगे बढ़ेंगे तो ज्यादा देर तक टिके रहेंगे, क्योंकि रातों रात कोई सक्सेसफुल हो जाता है तो रातों रात नीचे भी आ जाता है, सुन पा रहे हैं? तो धीमे धीमे जलिए सर, धीमे धीमे तपिए। तो कहने का मीनिंग है कि ऐसा क्वेश्चन क्या पूछा था यूपीएससी में, ध्यान से देखो, एक वर्ड पूछा था क्रिस्टलाइन, इधर देख लेना, कौन सा वर्ड? क्रिस्टलाइन का मीनिंग सिंपल है कि जिसका शेप, जिसका टेक्सचर काफी सॉलिड हो और एक सिस्टमेटिक ढंग से हो। अब मान लो कूलिंग अगर ठीक से नहीं हुआ है, ऊपर जल्दी जल्दी कूलिंग हुआ है, तो कुछ इधर मतलब एक ऐसा शेप है जिसका कुछ इधर नोकीला हो गया, कुछ उधर ऐसा हो गया, लेकिन इसको तो सर आराम से टाइम लग रहा है, तो सी पॉइंट का कूलिंग क्या होगा? स्लो होगा। और कूलिंग स्लो होने के कारण क्या होगा? सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि सर उसमें आपका जो टेक्सचर होगा, जो शेप होगा, वो काफी बेहतरीन होगा, सुन पा रहे हैं? उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन। क्या बोलेंगे? क्रिस्टलाइन। अब सर आराम से पेज नंबर 89 पे ध्यान से देखो, राइट साइड में दिया होगा 89 पे, जल्दी क्विक 89 पे देखो, तीन कंडीशन दिया होगा वहां, इग्नियस रॉक का मैंने कॉन्क्लूजन लिखा होगा, देख रहे हो? अरे हाँ है ना। और मैंने ऊपर कुछ फिजिकल ज्योग्राफी का कंडीशन लिखा है, उसको भी देख लो। ओनली वर्ड तो यूज नहीं करना है कहीं भी, दिख पा रहा है फिजिकल ज्योग्राफी के लिए? दूसरी बात, टाइम टेकिंग है, एक दिन में तो सर कुछ भी नहीं हुआ है, तो हमेशा दिमाग में रखना है कि आपको लगता है कि सर सुबह उठे तो रात को सोए थे, सुबह उठे हिमालय चरणों में आ गया, मतलब इतना जल्दी हिमालय बना नहीं था, बुझा रहा है? तो उसमें टाइम लगेगा, तो कोई भी प्रोसेस जब बोलूं तो आप सोचिएगा कि इट विल टेक सम टाइम, और इतना भी कम टाइम नहीं, अच्छा खासा टाइम लगेगा। मिट्टी बनने में लाखों साल, हजारों मिलियन बिलियन साल लगते हैं, तब जाकर सर इतना इंच मिट्टी बनता है। तो मिनटों को कम से कम बचाने का सोचिएगा, बाकी आगे आएगा। नीचे आइए, अब सर देखिए वहां पे फास्ट कूलिंग दिख रहा है आपको, जोर से बोल लो। अरे यस नो, फास्ट कूलिंग है, स्लो कूलिंग है, वेरी स्लो कूलिंग है, और उसमें कुछ रीजन लिखा हुआ है, जितना कूलिंग स्लो होगा सॉलिड उतने अच्छे से डेंस होगा, काफी गहरा होगा, आराम आराम से पक रहा है ना सर, उसको कोई जल्दीबाजी नहीं है, खूब हार्ड होगा, डेंस होगा, गहरा होगा। दूसरा पॉइंट, स्ट्रांग होगा उतना ही आराम आराम से, वो पूरा एकदम, हाँ पूरा एकदम, पूरा फाइव से, अब सीधे से बात है, जल्दी से पका के कोई चीज दोगे और कोई चीज आराम से पका के दोगे तो उसमें फर्क है ना, जो आराम से धीरे धीरे पका है सर वो पूरा सॉलिड होगा, बढ़िया होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, और जो सर एकदम जल्दीबाजी में आधा कच्चा आधा पक्का वाला काम, बुझा रहा है? तो सर उसी तरीके से कूलिंग इतना स्लो होगा। अब आप सोच के बताना, मैंने कल दो रॉक बताया था, फिर भी बता देता हूँ, एक प्लूटोनिक रॉक बताया था और एक हाइपरबेसल रॉक बताया था। तो प्लूटोनिक रॉक होता है जो बहुत अंदर है, जो गहराई में रॉक मिला उसको क्या बोलेंगे? प्लूटोनिक रॉक। हाइपरबेसल है कि जो बहुत ज्यादा गहराई में नहीं है और बहुत ज्यादा ऊपर भी नहीं है, थोड़ा सा शैलो, थोड़ा सा बस नीचे है, मतलब कि अगर ये पॉइंट है तो मान लो वो रॉक यहाँ बी पे है और सर बहुत ज्यादा गहराई में जो है वो है सी, उसको बोल रहे हैं प्लूटोनिक रॉक। अरे कुछ रॉक तो नीचे भी बन जाएगा ना, और जो नीचे रॉक बन रहा है तो काफी सर हार्ड होगा, तो मुझे एक बात बताओ, प्लूटोनिक रॉक ज्यादा क्रिस्टलाइन होगा कि हाइपरबेसल रॉक ज्यादा क्रिस्टलाइन होगा? कौन होगा? प्लूटोनिक होगा। क्यों? क्योंकि नीचे है, कूलिंग स्लो हुआ है, बढ़िया से टेक्सचर, बढ़िया से बढ़िया स्ट्रांग बनेगा, बुझा रहा है? तो दिमाग में सिंपल रखिएगा, कूलिंग जितना स्लो होगा उतना ही सर सेब क्रिस्टलाइन होगा, बात खत्म। यहां तक क्लियर है? नीचे आओ क्विक। सर स्लो कूलिंग उतने अच्छे से क्रिस्टलाइज होगा, इसलिए बेसिक लावा सरफेस पे इजिली आ जाता है, देन प्रॉपर क्रिस्टलाइज नहीं होगा। अब बेसिक लावा सर आसानी से ऊपर आ जा रहा है, सुन पा रहे? और बेसिक लावा अगर ऊपर आ जाएगा तो कहां से सर ज्यादा क्रिस्टलाइन होगा? एसिडिक लावा क्या बोला था मैंने? स्लो मूवमेंट है ना, नहीं बोला था कि स्लो मूवमेंट है, वो आते आते बीच में रास्ता भी ब्लॉक कर देता है, और रास्ता ब्लॉक करने के कारण फिर बहुत सालों बाद प्रेशर बनेगा, फिर एक्सप्लोड करेगा। तो जब एसिडिक लावा धीरे धीरे आ रहा है तो ज्यादा चांस एसिडिक लावा का सॉलिड होने का है या बेसिक लावा का? एसिडिक लावा का। तो मतलब कि एसिडिक लावा में जो रॉक उससे बनेगा वो क्रिस्टलाइन ज्यादा होगा, सुन पा रहे हैं? तो एसिडिक लावा का जो भी रॉक है वो कौन सा क्रिस्टलाइन ज्यादा होगा कि बेसिक लावा का होगा? किसका? एसिडिक लावा, क्योंकि एसिडिक लावा स्लो स्लो आ रहा है, आराम आराम से, सुन पा रहे हो सब?
नींद आएगा तो एकदम सो जाना है, ठीक है? आना जरा, अब एक बार नीचे आ जाओ और पेज नंबर 90 पे आना। आ गए 90? जोर से बोल लो। आज पता नहीं सब सच में खा के नहीं आया लग रहा है। ग्रेनाइट इज मोर, वहां पे क्वेश्चन लिखा हुआ देख लो, ग्रेनाइट इज मोर क्रिस्टलाइन देन बेसाल्ट। क्या लिखा हुआ है? ग्रेनाइट इज मोर क्रिस्टलाइन देन बेसाल्ट। इसको समझो, ये यूपीएससी का ऑलरेडी प्री मेंस, सुन लो अभी, बाद में बांट उठ लेना, समझो पहले। ग्रेनाइट में क्या बोला? ग्रेनाइट इज मोर क्रिस्टलाइन देन बेसाल्ट रॉक। अब ग्रेनाइट का एग्जांपल किसका दिया था? एसिडिक लावा का। अरे किसका दिया था? एसिडिक लावा। और क्या बोला? एसिडिक लावा स्लो कूलिंग होगा, और स्लो कूलिंग होगा तो क्रिस्टलाइन क्या होगा? ज्यादा। तो इसलिए तो ग्रेट जो ग्रेनाइट है वो ज्यादा क्रिस्टलाइन है, किससे? बसाल्ट रॉक से। क्योंकि बसाल्ट रॉक में क्या है? बेसिक लावा ऊपर आ चुका है क्विक, जल्दी से, उसको टाइम मिला नहीं है कूलिंग होने का, और ऊपर आ गया, आराम आराम से कूलिंग हुआ नहीं है, तो सर उसका क्रिस्टलाइन ज्यादा नहीं होगा। कुछ समझ में आ रहा है? हाँ, या ना? नीचे आ जाओ। अब सर वहां देखो, एक और क्वेश्चन पूछा हुआ था जो ऑलरेडी यूपीएससी का है। इफ सॉइल फॉर्म्स फ्रॉम बसाल्ट रॉक, सॉइल ऑफ बसाल्ट विल बी वेरी फाइन पार्टिकल्स, माइन्यूट पार्टिकल्स। बसाल्ट रॉक का जो सॉइल बनेगा वो काफी फाइन होगा। काफी फाइन मतलब वहां देखो क्या है, वो सर बहुत मतलब छोटा छोटा, मतलब उसमें बहुत ज्यादा गैप भी होगा, काफी छोटा होगा, काफी गैप होगा। क्यों? क्योंकि सर वो बढ़िया से बना ही नहीं है, वो तो सर नॉर्मली जल्दी में उसको बना दिया गया। सुन पा रहे मेरी बात? दूसरा पॉइंट, सॉइल ऑफ ग्रेनाइट विल नॉट बी वेरी फाइन, इट विल बी क्रिस्टल लाइक सैंड पार्टिकल्स और सुगर, दैट्स वाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ ग्रेनाइट विल बी लेस एंड पानी बह जाएगा। तो ग्रेनाइट का कैपेसिटी वाटर होल्ड करने का वो कम होगा, किसके तुलना में? बसाल्ट रॉक के। बसाल्ट रॉक में क्या बोला मैंने, वो सर जल्दी टूट गया है, तो उसमें उतना ज्यादा डेंस तो हुआ नहीं है, तो सर वो फाइन पार्टिकल्स काफी होगा। और यहाँ पे जो ग्रेनाइट वाला होगा, ये बना है, जब टूटेगा तो इसके वाटर होल्डिंग कैपेसिटी काफी कम होगी, जैसे बालू की। तो दिमाग में रखिएगा कि एक चीज कि एसिडिक लावा जब भी आप बोलेंगे तो एसिडिक लावा का सर हमेशा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होगा? कम होगा, कंपैरेटिवली किससे? बेसिक लावा से। और सर ये दिमाग में रखिएगा कि एक एक चीज का कनेक्शन जैसे जैसे आते जाएगा वो सर जुड़ता चला जाएगा ऊपर वाले टॉपिक में। मतलब मैंने अभी बोला वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, बोला था ग्रेनाइट के थ्रू, लेकिन ग्रेनाइट किसका एग्जाम्पल है? एसिडिक लावा का। तो जुड़ किस में गया? एसिडिक लावा में। तो जनरली एसिडिक लावा का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होगा कम, कम की ज्यादा? कम। और सर जो आपका बेसिक लावा है या बसाल्ट रॉक है उसका कैपेसिटी क्या होगा? ज्यादा। नीचे आइए सर, उसमें एक और चीज लिखा होगा, एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव। कल बताया था मैंने, एक्सट्रूसिव क्या होता है? बाहरी। इंट्रूसिव मतलब इंटरनल, एक्सट्रूसिव मतलब एक्सटर्नल। तो जो बाहर दिख रहा है दैट इज एक्सट्रूसिव, जो अंदर है और जिसको हम देख तो पा नहीं रहे, लेकिन अगर ऊपर का लेयर हट गया। मैंने बोला था कि मान लीजिए आप पैसे आ गए, आपको टाइल्स लगाना है, पहले सब पक्का पिटवाए थे, घर में पिटवाए थे, माथा पर नहीं, तो पक्का पिटवाए थे, पक्का अब हट गया तो उसके नीचे का लेयर दिख गया। सुन पा रहे? तो जो नीचे का लेयर दिख गया वो क्या हो गया? इंट्रूसिव। जब तक ऊपर का लेयर दिख रहा था वो क्या था? एक्सट्रूसिव। सब ठीक हो ना? आ जाओ नीचे। अब सर इग्नियस रॉक में फॉसिल्स नहीं मिलते, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा हुआ था, फॉसिल्स समझते हैं? फॉसिल्स जीवाश्म। तो जीव का अवशेष मतलब मान लीजिए मर गया गधा, मान लीजिए मतलब कुछ भी, कोई भी एनी एनिमल्स कुछ भी मर गया, तो मर गया अगर, तो मरने के बाद क्या होगा? उसमें डिकम्पोजिशन होगा ना उसका, मतलब आएंगे उसको बैक्टीरिया कुछ खाएगा, फंगाई उसका खाएगा, धीरे धीरे उसका करते करते मिट्टी में मिलेगा। अरे हाँ, है ना? Yes, मक्खी भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है इसमें, तो आपको पता, कौवा भी आएगा, पूरा भोज है सर। तो बेसिकली मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, अगर फॉसिल्स की बात करें कि इग्नियस रॉक से जो है उसमें मिलेगा कि नहीं, इधर सर इग्नियस रॉक तो डायरेक्ट लावा से बन रहा है, डायरेक्ट किसी से लावा से, सर उसके सामने तो जुआ उसको जला देगा, वो फॉसिल्स कहाँ से रखेगा? वो तो पूरा लावा है, वो तो सर सेडिमेंट्री, और उसमें आगे जाएंगे तब देखेंगे कि वहां पे बनने का चांस है। यहाँ तो लावा से रॉक बन रहा है, लावा इतना गर्म है, और अगर पता करना है कितना गर्म होता है, कभी पास जाओ, मतलब समझ में, अगर नहीं फील हो रहा है तो कभी जाके देखो और बैठ के देख लो, तो दोबारा सर समझ में आएगा ये कि दोबारा जो सामने से दूर से देख रहा है वो सिर्फ यही लिखेगा कि बहुत गर्म होता है, एक दोस्त गया था वो जल के राख हो गया है, ठीक है? तो मैं मतलब ऐसा एक्सपेरिमेंट करिएगा मत, कहीं पता ना चले सर कहीं मतलब बोल दिए बाद में, हम भी को सोसाइटी का केस आ जाएगा। बट फिर भी आप इतने बेवकूफ़ तो है नहीं, तो लावा से जो बना है उसमें सर फॉसिल्स का क्या काम है? फॉसिल्स को तो पूरा जला के रख कर देगा वो। हाँ, सेडिमेंट्री पे जब जाएंगे और साध पे तो वहाँ बचा हो रहेगा, तो उसमें मिल सकता है। तो क्वेश्चन यही पूछा था यार कि फॉसिल्स आर फाउंड इन विच टाइप ऑफ रॉक, फॉसिल्स किस टाइप के रॉक में मिलेगा? नीचे प्यार से चार पांच ऑप्शन है, आराम से मार के आइए। तो क्या मार के आइएगा? सेडिमेंट्री ना क्या? अरे सेडिमेंट्री पक्का? कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना? हाँ सर, सेडिमेंट्री में मिलेगा, इग्नियस में नहीं मिलेगा, बुझा रहा है? अब सर आ गए नीचे, अब आओ उसके बाद पेज नंबर 90 पे। आ जाओ, आ जाओ, आ गए।
नहीं आए? अरे बोलोगे 90 में तो आइए। चलो आ जाओ। अब 90 पे आ गए तो एक और चीज ध्यान दे लो, उसको रख दो इस पे। अब वहां पे आपको दिखेगा इग्नियस रॉक में फॉसिल्स नहीं मिलते हैं, दिख पा रहा है? बिकॉज इग्नियस डायरेक्टली लावा से बनता है, वो इतना गर्म होता है कि कोई लाइफ या फॉसिल्स पॉसिबल ही नहीं है। इग्नियस में मेटालिक मिनरल्स जरूर मिलेंगे। अब सर इग्नियस में मेटालिक मिनरल्स मिलने के चांस है क्योंकि सर लावा के साथ बहुत कुछ निकलता है। लावा एक चीज थोड़ी ना खाई लेके आता है, आग बुझा रहा है, तो लावा एक चीज तो लेके आता नहीं है, बहुत कुछ लेके आता है। तो थोड़ा समझना है आपको इस बात के लिए, ठीक है? अब आइए एक पेज नेक्स्ट। अब सर पेज नंबर 91 पे आना। कहाँ पे? 91। सेडिमेंट्री रॉक दिखेगा वहां पे, दिख रहा है? अरे है ना, तो बोलो सर। देख लो क्विक, क्योंकि आज आगे बहुत चला जाएगा सिलेबस, मैं बता देता हूँ, ठीक है? ये आगे जाएगा, काफी तेजी में जाएगा। यहाँ तक इसको मैं स्लो इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इसका इस्तेमाल अभी है जबरदस्त इसी के आगे, क्योंकि अभी मैं आपको बताने वाला हूँ रणबीर कपूर कैसे डांस करता है कहाँ पे। सुन पा रहे हैं? मतलब सॉरी यार, लेकिन आज आप लोग ना बहुत अच्छे लग रहे हैं, ठीक है? मतलब ऐसा लग रहा है इस जान देह में जान नहीं है, तो थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा ज़्यादा, बाकी मर्जी आपकी है। मतलब थोड़ा एनर्जेटिक रहिए आप लोग, गाना को सच करने पर तुल में बच्चों में बुढ़ापा है, बूढ़ों में जवानी है, तो आप लोग थोड़ा एनर्जेटिक रहिए। बाकी खाना नहीं खाएं तब भी, हम भी नहीं खाएं। आइए 91 पे प्लीज आओ और सुनते रहो। आ गए? कॉन्क्लूजन ऑफ इग्नियस रॉक में देखो एक डायग्राम बनाया होगा, वो डायग्राम से पूरा इग्नियस रॉक क्लियर हो जाएगा। पहला इग्नियस दिख रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे तीन टाइप है, एसिडिक, इंटरमीडिएट और बेसिक, दिख रहा है? अच्छा, उसके बाद राइट साइड में ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ फॉर्मेशन, दो चीजें है, एक है एक्सट्रूसिव, दूसरा क्या है? इंट्रूसिव। इंट्रूसिव आपको बताया ही था, इंट्रूसिव में क्या है देख लो, हाइपरवेजल रॉक। और एक है सर इंट्रूसिव में क्या है कि एक बहुत गहरा डेप्थ में है, एक बहुत ऊपर है सैलो, ज्यादा गहरा नहीं है। तो एक ज्यादा गहरा जब है उसको क्या बोल रहे हैं? प्लूटोनिक रॉक। और जो सैलो है उसको क्या बोल रहे हैं? हाइपरवेजल रॉक। क्या बोल रहे हैं? प्लीज रिपीट कर लो, हाइपरवेजल रॉक। ज्यादा गहरा है उसको क्या बोलेंगे? प्लूटोनिक रॉक। जो ज्यादा गहरा है उसको क्या बोलेंगे? प्लूटोनिक। प्लीज रिपीट कर लेना। एंड देन जो कम गहरा है, सैलो है, उसको क्या बोलेंगे? हाइपरवेजल रॉक। बुझा रहा है? और सर उसके बाद इधर एक्सट्रूसिव में आपको पहले से पता है बसाल्ट, एसिडिक, कुछ भी हो सकता है, बाहर के सारे रॉक। मतलब एक्सट्रूसिव मतलब क्या? वो लावा जो ऊपर आ चुका है, बाहर दिखाई दे रहा है, उसमें हमको क्या दिक्कत है? सुन पा रहे हैं यहां तक? तो इग्नियस का कॉन्सेप्ट जो अभी बताया, एक बार रिपीट कर देता हूं, सुन लो खत्म कर लेंगे। इग्नियस ने सिंपल बोला, इग्नियस मतलब क्या? फायर। वो सारे रॉक, वो सारे चट्टान जो बने हैं लावा से डायरेक्टली, उसको क्या बोलेंगे? क्या? इग्नियस। इग्नियस का अलग अलग टाइप होगा, एसिडिक, बेसिक इग्नियस और इंटरमीडिएट। तो एसिडिक जो एसिडिक लावा से मिलकर बना है, और बेसिक जो बेसिक लावा से मिलकर बना है, इंटरमीडिएट जो दोनों के मिक्सचर से बना है। यहाँ तक क्लियर है? अब उसके आगे है तो दो चीज बोला सर, एसिडिक का कलर लाइट होता है, एसिडिक लावा का कलर लाइट होगा, बेसिक लावा का कलर डार्क होगा। उसके बाद मैंने बोला कि चूंकि जो नीचे कूलिंग हुआ है तो एसिडिक लावा का स्पीड स्लो होता है, तो उसकी कूलिंग काफी धीरे धीरे हुई है, तो उसका टेक्सटाइल, उसका टेक्सचर, उसका शेप काफी स्ट्रांग होगा, सॉलिड होगा, यानी कि क्रिस्टलाइन ज्यादा होगा। इसीलिए एसिडिक लावा का और रॉक का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी तो कम होगा, लेकिन वो काफी सॉलिड होगा। यहाँ तक क्लियर है? दूसरा, फॉसिल्स इग्नियस में मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो जीवाश्म यहाँ पे इग्नियस में नहीं मिलेगा। अच्छा, पक्का बोर तो नहीं हो रहे हो ना? अब सर उसके बाद आना नीचे। अब उसके बाद सेडिमेंट्री रॉक दिखेगा, दिख पा रहे है? सेडिमेंट्री को सर समझ लिए, मतलब टाटा स्काई लगा डाला तो लाइफ जिंगा लाला। तो सर वो इस तरह सेडिमेंट्री रॉक समझ डाला तो जीवन जिंगा लाला, कहे कि यहाँ से क्वेश्चन खूब आते, बढ़िया आते और क्वेश्चन ईजी आते, तो थोड़ा इसका फायदा उठा लेना है। पहला आ जाओ, सेडिमेंट्री दिख रहा है। सेडिमेंट्री का मीनिंग है सर सीधा आदम। अच्छा पढ़ो, जब भी मैं बार बार बोलाऊं, अच्छा सोच के देखो, अगर ये सारा कुछ अभी लिखवा रहा होता, जस्ट इमेजिन, ये सारा कुछ अभी जितना मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, ये सारा कुछ लिखवा रहा होता, अभी तक सिर्फ एक ही टॉपिक हुआ रहता, लिखते लिखो इग्नियस, इग्नियस मतलब इग्निस, इग्निस मतलब फायर। आप लिखते जी सर, बोलिए भैया आईएएस ना 4 साल बाद आप बोलते सर सिलेबस कब कंप्लीट होगा, मेरा ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गया, पीजी भी कर लिए, लेकिन आईएएस का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ। मैं आपको बता रहा हूँ, दिल्ली के अंदर या वहाँ पे सर कोई भी आदमी जब जाता है पहला इंट्री लेता है, तो उसको मतलब मिनिमम कोई सीधा उठा के पहुँच गया है दिल्ली अगर, कि चल अब चल रहे हैं, और सर वो जाके एडमिशन ले लिया और पढ़ रहा है, आई कैन गारंटी यू सम एक्सेप्शंस अलग हैं, वो इक्का दुक्का होते हैं, लेकिन वो एक्सेप्शन इसलिए होते हैं क्योंकि वो बहुत पहले से पढ़ रहा है। बाकी जो ग्रेजुएशन बाद उठा के पहुंच गया है दिल्ली, बाजीराम में चल रहे हैं, तो जैसे ही पहुंचा सर उसको कम से कम मिनिमम 3 साल तो ये समझने में लगेगा कि सिलेबस होगा कब।
तीन साल कम से कम लगेगा, और तीन साल बाद उसका एहसास होगा कि तीन साल निकल गए और अभी तक महसूस ये हो रहा है कि कुछ कंप्लीट नहीं हुआ है। कारण है उसका, क्योंकि यहां तो आपको मैं पर्सनली इतना भाई है तो यहाँ पे आपका अटेंशन बन जा रहा है ना, वहां तो पता ही नहीं चलता है। सर आप टीचर का पढ़ोगे, बोलोगे तुम यही पढ़ते हो आप बोलोगे क्या, अरे अजीब बात है। टीचर से पूछने जाओ कहेगा कौन बैच में हो, B23, तो जाके उनसे पूछो 23 बैच चल रहा है, 23 बैच है, हर बैच में 500 बच्चे, किसको पहचानेंगे टीचर भाई वहां पे। आधा से ज्यादा तो खुद को पता नहीं होता है कि हम इसी में पढ़ भी रहे हैं कि हम आउट हैं इसमें से, पैसा देखे भी कुछ पता नहीं रहता है। मैं पर्सनली बता रहा हूँ, आई एम नॉट टेलिंग कि वहां जाने के बाद है, लेकिन मिनिमम सर मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, 4 साल तो ऐसे लग जाते हैं आपको खाली देते देते। और मैं सच्ची बता रहा हूँ, शायद गलत है ये बात, लेकिन 4 साल में भी आपका प्रीलिम्स नहीं निकलेगा, मैं गारंटी बता रहा हूँ। उसके पीछे बहुत सारे कारण है, वहाँ चकाचौंध है। आप अभी गाँव से निकले हैं और आप यहाँ से निकले हैं और आप शहर अभी परिवार से परिवार के साथ आप रहे हैं काफ़ी सालों से बचपन से, और सरेली बाहर चले गए, झेल नहीं पाएंगे। ऊपर से चकाचौंध इतना ब्यूटीफुल शहर है, कुछ लोग जाकर दिल्ली गया घूम के आओ, आ रहा है घूमते घूमते सर 4 साल निकलते हैं, और जब 4 साल बाद जब बाल झड़ने लगता है ना तब एहसास होता है कि दिल्ली के पानी में आयरन बहुत होता है। अब सर क्या होता है, बाल झड़ना गोराई आ जाएगा दिल्ली में, लेकिन सर आपका बाल झड़ जाएगा। तो बाल जब झड़ेगा तो उसके बाद वापस जब आइएगा तब लगेगा भाई लाइफ के 5 साल ना ऐसे ऐसे निकल जाते हैं ऐसे, और पता ही नहीं चलता अटेम्प्ट खत्म कब हो गया। तो मैं पर्सनली इसलिए बता रहा हूँ कि लिख के देने का बस एक ही लॉजिक है कि कोई अगर आदमी एक बार लिख रहा है तब तक आप 10 बार रिवाइज कर लोगे, सुन पा रहे हो, और तभी रिजल्ट आएगा, क्योंकि रिविजन की वजह से ही रिजल्ट आता है, सिर्फ पढ़ने की वजह से नहीं। सुन पा रहे, नीचे आइए, गेट खोल दीजिए, अब वापस सेडिमेंट्री पे आ जाओ, चाहे रहने दो, चलो रहने दो, सेडिमेंट्री पे देख लो ध्यान से। ऐसा कॉन्सेप्ट जो सर किससे बना हो और साथ से, महसूस कर लेना, और ये शब्द बहुत बार पूछा हुआ है, मेरी तरफ देख लेना ठीक है, और समझ लेना। ये समझ गए तो काम अपना बन गया। एक शब्द है डेन्यूडेशन, अच्छा हिंदी में भी इसको डेन्यूडेशन ही बोलते हैं, परेशान मत होना, बस मीनिंग मैं समझा देता हूं ठीक है, देखना इधर। अभी के लिए ऐसे समझना, जैसे आप जानते होंगे कुछ कुछ वर्ड सुनोगे, वेदरिंग, इरोजन, सब बताऊंगा अभी उसका हिंदी भी। वेदरिंग हो गया, एक इरोजन हो गया, इरोजन के बाद ट्रांसपोर्टेशन हो गया, फिर हो गया डिपोजिशन। ये 4 वर्ड मैं फिर से लिख रहा हूं, ध्यान से देख लेना। पहला वर्ड बोलो क्या था, किसी को याद हो गया हो तो, वेदरिंग, दूसरा इरोजन, तीसरा ट्रांसपोर्टेशन, और चौथा है डिपोजिशन। ठीक है, बुझा रहा है, अब इन चारों का एक बार मीनिंग समझाऊंगा आपको समझ में आ जाएगा। हम लोग क्या करते हैं ना, मतलब हम लोग कॉन्सेप्ट समझते नहीं, हम लोग सिर्फ डेफिनेशन याद कर लेते हैं, डेफिनेशन याद कर लेते हैं कि हाँ लैंडलॉक कंट्री ये है, बट लैंडलॉक कंट्री का जब क्वेश्चन बनाना आता है तो वहां पे लगता है डेफिनेशन किसी काम का नहीं है, तो किताबी नॉलेज से नहीं हो पाता है। देखो यहाँ पे ये शब्द जब भी मैं बोलूँ डेन्यूडेशन, तो आप समझेंगे कि ये चारों प्रोसेस इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है। अब ये चारों प्रोसेस क्या है मैं बताऊंगा, लेकिन ये आप जब भी मैं बोलूँ क्या क्या डेन्यूडेशन, ये चारों प्रोसेस इंक्लूड है। कैसे, देखो महसूस करना, वेदरिंग मतलब होता है, देखो समझो, मान लो आप पे डेली सूरज का रोशनी आ रहा है, हाँ या ना, आप पे डेली थोड़ा बहुत पानी आ रहा है, जैसे भी इनडायरेक्टली एयर का आपके फ्लो है, यस और नो, देख लेने का ध्यान से। सर आप कुछ ना कुछ तो आपका उसका असर होगा ना आप पे, अरे कोई चट्टान है, कोई चट्टान अगर रखा हुआ है तो उस चट्टान पे कैसे वो टूट रहा है, हर दिन कुछ लाइट पड़ा, थोड़ा गर्म हुआ, फिर थोड़ा ठंडा हुआ, बारिश हुई, फिर एयर का ब्लो आया, फिर मिट्टी मिला, डस्ट मिला, अरे है ना, तब मिलते मिलते क्या हुआ, टूटेगा धीरे धीरे, अरे है ना। वेदरिंग का सिंपल मीनिंग है डे टू डे लाइफ में जो असर पड़ रहा है, सूरज का, हवा का प्रेशर पड़ रहा है, जो भी कुछ हो रहा है उसके कारण जो उसमें थोड़ा भी टूट रहा है, थोड़ा भी उसमें कुछ असर पड़ रहा है, उसको बोलते हैं क्या, वेदरिंग। क्या बोल रहे हैं, और समझने का एक बढ़िया मेन्यू, वेदर होता है वेदर, लेदर नहीं। अब सर एक बार वेदर, इसका भी बड़ा बढ़िया स्टोरी है ये वेदर ना, मतलब अब जैसे गांव में लोगों को पता नहीं चलता है कि वेदर क्या होता है, उन लोगों को ज्यादा तो पता नहीं, उनको कुछ पता, उनको तो पुरवैया बहुत है, पक्षी है बहुत, उनको सर का मतलब है। वो क्या बोल रहा है, एक दिन आज के लेदर बड़ा खराब बा, अच्छा अब मान लो अगर सर आज का लेदर अगर उन्होंने बोल दिया तो चलो सामने वाला अगर समझदार है तो उसको चुप रहना चाहिए, लेकिन गांव में ऐसा थोड़ी ना होता है, गांव में तो मजा लूटने के लिए, अरे देखा था वो फलना का बेटा पढ़ के आया बा बाहर से, नाम कथी बा पी सिंह, पी सिंह मतलब पगला सिंह। अब सर ये वो बोला कि हम एमएससी करके आए, आपको कहानी सुनाया था एक बार, सर वो पूरा पढ़ के आया था बाहर से एमएससी वगैरह का और अमेरिका से पढ़ के आया, और सर पूरा डिग्री लेके आया, पापा इधर उसके पूरा खुश है,
आज मेरा बेटा आ रहा है कमबख्त लंदन से, अमेरिका से, सब जगह से पढ़ के। अच्छा आया जैसे ही तो वहां पे देखना क्या हो रहा था, मटकोर होता है ना, तो मटकोर में झंडा गाड़ा जाता है। अरे नहीं पता है क्या? झंडा हलता है। अब वो आते हैं तो पापा से कह रहे, पापा टेल मी वन थिंग, ये इतना ऊपर कौन चढ़ के झंडा लगाया होगा? तो पापा समझे कि भाई ये मेरा पढ़ाया लिखाया जो है बर्बाद हो गया। सुन पा रहा है बात सर? ऐसा ऐसा पढ़ने लिखने वाला मत मान लेना। तो गांव में इसको लोग बोलते हैं लिखल पढ़ल, पढ़ल लिखल ना, क्या लिखल पढ़ल। तो इधर देख लो, वेदनिंग का सिंपल मीनिंग है कि सर दो दो कारण है। पहला ये, अच्छा सुन वो सब किस हो गया यार, मेरा ना बोलते बोलते तीन से वैसे भी आवाज गया हुआ है, तो आप थोड़ा सा सुनना, मैं जितना चिल्ला सकता हूँ चिल्लाऊंगा, लेकिन आप सुनते रहना। वेदरिंग देखो मतलब हर दिन जो वेदर के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, चाहे थोड़ा ही चेंज क्यों ना हो, उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? वेदरिंग। मतलब आज यहाँ पे बगल में ये घर भी ले लो, ये एस्बेस्टस ले लो, ये आपका छत ले लो, इस एस्बेस्टस पे असर पड़ रहा है। ठीक है, आ जाओ देख लो इधर, उसको कर लो और आ जाओ वहां पे। अब ध्यान से देख लो इधर, लास्ट वाला हमेशा सब उधर का छोड़ ही देता है ना, सब प्रॉब्लम यही होता है, ये ऐसा ही होता है। अब से ना नियम रहेगा, उधर उधर रखेंगे ही नहीं, ठीक है? सब इधर उसको बगल में कर देंगे। देख लो इधर, इधर देख, कोई बात नहीं, प्लीज डिस्टर्ब ना करो, इधर देख लो। अब सर वेदरिंग का मीनिंग क्या बोला, मान लीजिए ये घर है, इस घर पे भी हर दिन सूरज पड़ रहा है, उसके कारण इसमें भी कुछ ना कुछ असर पड़ेगा। सुन पा रहे हैं? अब जब नया घर बनाते हैं तो नया घर बनाते समय क्या होता है, क्रैक उस समय डेवलप नहीं होता है, कुछ समय बाद होता है, लेकिन सर होता तो है ना, और तब आप फिर घर में मेंटेनेंस शुरू करेंगे उसके बाद। तो वेदरिंग का सिंपल मीनिंग है कि डे टू डे बेसिस पे किसी भी रॉक में या किसी भी चीज में जो चेंज आ रहा है उसको क्या बोलेंगे? प्लीज सब लोग बोलो क्या बोलेंगे? वेदरिंग। दूसरा है इरोजन। क्या है? हिंदी में इसको बोलते हैं अपरदन। क्या बोलते हैं? अब हिंदी में आप अपरदन बोले तो किसी को कुछ समझ में आया? जैसे बोलेंगे ना अपरदन, तो नहीं पता रहता तो बुझाएगा नहीं। अच्छा बोले आ गया सर, आ गया सर, उनको सुन के ही मजा आ गया, हिंदी में बोल दिया ना मजा आ गया। देख लो इधर, इरोजन का मीनिंग है कटाव। मतलब सर आप ऐसे खड़े थे, आप गए थे अपने खेत में, खेत में गए, पानी आपने बहाया, मिट्टी लेके चले गए, तो क्या हो गया? अपरदन। इरोजन का मीनिंग है कि मिट्टी का कटाव। और मिट्टी का कटाव क्या एक ही तरीके हो सकता है या बहुत तरीके से हो सकता है? बहुत तरीके से हो सकता है। जैसे हवा खूब तेज बहा, आपके खेत की मिट्टी जो थी वो खूब उपजाऊ थी, हवा इतना तेज बहा उठा के दूसरे के खेत में पहुंचा दिया, बुझा रहे? अब आप सर यहाँ रोप रहे हो उपजाऊ नहीं हो रहा है, अब आप गाली देना किसको? विंड को। आगे विंड में पढ़ाऊंगा मैं सर, विंड के कारण लड़ाई हुआ है नॉर्थ अमेरिका में सबसे ज्यादा, सिर्फ इस वजह से कि मेरे खेत का मिट्टी उड़ के तुम्हारे खेत में गया है, अब तुम बराबर करो। सर मैं सच्ची बता रहा हूँ आपको, पढ़ाऊंगा विंड में क्या 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 क्या, हाँ मैं बताऊंगा विंड में आपको, वहां मजा आएगा आपको। खैर इरोजन का मीनिंग क्या है? कटाव। क्या है? अब कटाव हो गया, लेकिन सर उसके बाद है ट्रांसपोर्टेशन। बस सिर्फ शब्द को ना समझो, ट्रांसपोर्टेशन क्या है? एक जगह से मिट्टी उठ के दूसरे जगह चला गया। सुन पा रहे हो? कटाव तो हुआ, तो क्या हुआ उसमें? सर थोड़ा सा कटाव हुआ रह गया, लेकिन अब कुछ और लोगों ने या तो मिट्टी या फिर उसको एयर ने या फिर उसको वाटर ने उठा के किसी दूसरे जगह पे पहुंचा दिया, तो उसको क्या बोलेंगे? अरे क्या बोलेंगे? और लास्ट में सर डिपोजिशन। ये प्रोसेस बार बार रिपीट हो रहा है, मिट्टी भी लेके आ रहा है, पानी वहां पहुंच रहा है, धीरे 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 वहां पे भी अवसाद जमा हो जाएगा। अरे है ना सर? सुनो इधर, पहला रॉक कौन सा बताया था? इग्नियस। लावा ऊपर निकला, ठंडा हुआ, ठंडा होने के बाद कौन सा रॉक बना? इग्नियस। अब क्या हो रहा है सर? जमा हो गया है, और जमा होते होते अब वो भी तो हार्ड होगा, उससे जो रॉक बनेगा उसको बोलेंगे सेडिमेंटरी रॉक। क्या बोलेंगे? तो सर कहने के लिए सिर्फ बोलते हैं अवसाद से बना है, लेकिन इस अवसाद में इतना सारा प्रोसेस है, बुझा रहा है? ऐसा थोड़ी है कि एक दिन आया सेडिमेंटरी और आया अवसाद, आया और अवसाद आके अनवसाद बन गया, ऐसा नहीं है सर। सुन पा रहे हैं मेरी बात? मतलब अवसाद आने के बाद उसमें बहुत सारा चीज है, प्रोसेस है। पहला क्या हुआ? सभी लोग बोलना, पहला क्या हुआ? वेदरिंग। मतलब उस पर असर पड़ा हर दिन वेदर का, सनलाइट, एयर, वाटर, सब चीज का असर पड़ने से जो थोड़ा बहुत उसमें क्रैक हुआ उसको क्या बोलेंगे? वेदरिंग। कुछ भी चेंजेस हुआ। दूसरा सर कहा गया? इरोजन। इरोजन के बाद सर कटाव के बाद उसको लेके कहीं और पहुंचा दिया, क्या हुआ? ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन के बाद डिपोजिशन, और वहां डिपोजिट होके फिर उस पर भी असर पड़ेगा डेली, आया ना? और असर पड़ने के बाद उससे जो रॉक बनेगा उसको कौन सा रॉक बोलेंगे? कौन सा रॉक? सेडिमेंटरी रॉक। अब जरा पेज नंबर 91 पे देखो, मजा आएगा, आ जाओ। डेनुडेशन शब्द लिखा हुआ वहां पे, मैंने ब्रैकेट में लिख दिया होगा इज कॉम्बिनेशन ऑफ दिस फोर। तो डेनुडेशन शब्द मैं बोलूं तो इधर इधर आपको कभी भी मेंस एग्जाम में ये नहीं लिखना है पहले वेदरिंग होगा, इरोजन होगा, ये कुछ नहीं। क्या लिखना है?
आप डेनोटेशन लिखेंगे वो समझ जाएगा ऊपर, बस इसको आता है, बात खत्म। नहीं तो आप खाली लिखिएगा वेदरिंग लिख के आइएगा तब भी गलत है, सिर्फ अगर ईवी लिख के आइएगा तब भी गलत है। तो आपको सिंपल एक ही चीज लिखना है क्या, डेनोटेशन लिखिए, बात खत्म, वो समझ जाएगा कि इसके अंदर चारों प्रोसेस उसने डिफाइन कर दिया। बस यही फर्क होता है, और मेंस में इसीलिए शब्द बचाए जाते हैं। और हम लोग क्या है, तैयारी करके नहीं जाते हैं, मैं बार बोलो ना, खाली प्री का कर लिए, नहीं निकलेगा आपका एग्जाम, इसलिए निकलेगा सर आपको पता ही नहीं उसका डेप्थ। आप क्या है, शब्द 250 में लिखना, इतना सारा लिखोगे होगा ही नहीं। इन सब के जगह पे क्या लिखा आपने, डेनोटेशन, आपने एक शब्द में काम कर लिया इधर, 5 से 6 शब्द आपने बचा लिए, प्लस टाइम बचा लिया। तो सर जब डेप्थ में जाइएगा तभी टाइम बचता है, नहीं तो खाली प्री का तैयारी करिएगा तो प्री साइकिल जिंदगी भर चलता रहता है। नीचे आइए, अब सर वेदरिंग दिख रहा है वहां पे, अब एक एक प्रोसेस को समझ लो, वहां लिख दिया हुआ है। वेदरिंग में लिखा हुआ होगा ब्रेकडाउन ऑफ फिजिकल सर्फेस, दिख रहा है, तो ब्रेकडाउन ऑफ फिजिकल सर्फेस मतलब क्या, फिजिकल सर्फेस कैसे होगा, सनलाइट पड़ रहा है, जो ऊपर का फर्श है भी तो सर धीरे धीरे क्रैक होगा इसमें, हाँ है ना, वेदरिंग क्लियर। नीचे आओ, नीचे आओ, उसमें एक और क्वेश्चन दिखेगा, डे में दिख रहा है सर जब सूरज आएगा तो गर्मी से कोई चीज फैलता है कि सिकुड़ता है, भाई एक्सपेंड करेगा ना, कोई भी चीज में क्रैक कैसे डेवलप होता है। जैसे अगर आपको मुझे मारना है, मान लीजिए मैं थप्पड़ मारा, तो आपको चोट क्यों लगता है, इसलिए लगता है क्योंकि सर आप जहां पे हैं आपका क्या बॉडी कंफर्ट जोन में, इनर्सिया मेंटेन किया हुआ है। अब सडनली मारा मैंने, कार पूरा कान का तार आपका हिला दिया, क्यों, क्योंकि सर उसमें वाइब्रेशन हुआ, मतलब क्या हुआ, उसमें एक्सपेंशन कंप्रेशन सारा कुछ हो गया। अब सिंपल से बात है, कोई सरफेस पे दिन में पड़ रहा है लाइट, हो गया गर्म, हो गर्म हो तो थोड़ा थोड़ा एक्सपेंड करने की कोशिश किया, रात में पड़ा फिर क्या, थोड़ा सा ठंड, सनलाइट गायब है, तो फिर क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ। तो जब किसी चीज में एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होता रहे तो कभी ना कभी तो उसमें क्रैक डेवलप हो ही जाएगा ना, अरे है ना। और सब प्रोसेस किसके अंदर आ रहा है, वेदरिंग के अंदर, किसके अंदर, वेदरिंग के अंदर। नीचे सेकंड, नीचे आओ, ड्यू टू एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन, ये आपको पता है। अब ग्लेशियर्स इन डे गोज इनसाइड द सरफेस थ्रू, ये रहने दो, अब सीधा पेज नंबर 92 पे आ जाओ, जितना जरूरी है उतने पे आ जाओ। 92 पे दूसरा प्रोसेस मिलेगा आपको, इरोजन, दिख रहा है, बोलो हाँ यार। इरोजन में क्या है, फिजिकल रिमूवल ऑफ क्रैक्स, अब जो क्रैक डेवलप हुआ है उसके ऊपर से लेयर हटना शुरू हो गया, अब ऊपर से लेयर हटना शुरू हो गया, दैट इज अ पर्दन, इरोजन हो गया। नीचे आइए प्लीज, और उसमें आप दिखेगा आपको ट्रांसपोर्टेशन, दिख रहा है, एक प्लेस से दूसरे जगह वो पहुंच गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, फिर जाके वहां डिपोजिट होने लगा, वो डिपोजिशन हो गया, सुन पा रहे। अब दो बातों का ध्यान रखिएगा, मैंने आपको प्राइमरी वेव पढ़ाया था और सेकेंडरी वेव पढ़ाया था, उसी तरीके से यहाँ प्राइमरी प्राथमिक, इधर सेकेंडरी द्वितीयक ले लीजिए। अब सर प्राइमरी क्या है, ध्यान से मुझे बताना, इग्नियस रॉक में प्राइमरी कौन था, लावा था, मतलब लावा के कारण ही रॉक बन रहा था, है ना। यहाँ पे सोच के बताना, यहाँ सेडिमेंट्री में प्राइमरी क्या चीज है, सेडिमेंट, अरे प्राइमरी चीज क्या है, सेडिमेंट्स, और सेडिमेंट्स के अंदर ये सारा प्रोसेस आ रहा है। लेकिन इधर मुझे बताओ, सेडिमेंट से वहां जाके डिपॉजिट हुआ वो भी तो सेडिमेंट ही है, अरे सेडिमेंट ही जाके वहां डिपॉजिट हुआ है ना, और उस सेडिमेंट से फिर एक रॉक बन गया, हाँ है ना। तो सर दो बातों का ध्यान रखिएगा, हालांकि अभी रॉक साइकिल पढ़ाऊंगा वहां समझ में आ जाएगा, लेकिन याद रखिएगा यहाँ प्राइमरी सोर्स तो सेडिमेंट है, लेकिन सेकेंडरी सोर्स से भी कुछ और नया रॉक बन सकता है, इसके भी चांसेस अलग अलग हैं। मतलब एक ही सेडिमेंट से अलग अलग प्रोसेस के थ्रू अलग रॉक्स बन सकते हैं, रॉक सेडिमेंट्री ही होगा, रॉक सेडिमेंट्री होगा, ऐसा तो है नहीं कि सर लावा से बना, लावा के बाद डायरेक्ट कौन सा रॉक बना, इग्नियस। अब वो रॉक बनने के बाद उस रॉक से फिर कुछ रॉक बनेगा क्या, वो तो बाद में देखेंगे, अपर्दन होगा उसका भी, उसका टूटेगा वही मिट्टी में कन्वर्ट होगा, लेकिन कम से कम उससे फिर इग्नियस तो नहीं बनेगा ना। लेकिन सेडिमेंट्री में तो चांस है कि सर एक सेडिमेंट से फिर बना, और फिर उसी सेडिमेंट्री से फिर सेडिमेंट्री रॉक एक और बन गया। बस अभी थोड़ा नीचे समझना, आ जाओ नीचे आओ सर, मैंने लिखा वहां पे सब कुछ, देखो इतना डिटेल में, इन चारों के बदले जस्ट से डेनुडेशन, दिख रहा है, अब इन चारों के बदले सिर्फ डेनुडेशन बोल दीजिए, बात खत्म। पेज नंबर 92, उसके नीचे आइए, सेडिमेंट्री रॉक दिख रहा है, सो इग्नियस रॉक के वेदरिंग से डिपोजिट हुआ, एंड देन वहां वाटर एंड अलग चीजों से मिक्स होकर कॉन्सेंट्रिक सीमेंटिक पैटर्न बन गया, एंड सेडिमेंट्री रॉक वो इग्नियस रॉक नहीं होगा जो डिपॉजिट हुआ है, बिकॉज उसमें अलग अलग चीजें लाइक वाटर एंड डिफरेंट फीचर्स मिलकर बना है, दैट इज सेडिमेंट्री। तो इग्नियस रॉक था वही रॉक, अच्छा जो अवसाद होगा वो अवसाद कहाँ से आया, जो सर इग्नियस रॉक था बन गया उसमें वेदरिंग हुआ तभी ना उसका टूट टूट के कण और फिर उसके बाद वहां जाके डिपॉजिट हो रहा है। तो इग्नियस रॉक से सेडिमेंट्री रॉक बना है, लेकिन उसके बीच में बहुत सारा प्रोसेस आया है, जैसे वेदरिंग आया है, इरोजन आया है, सारा कुछ हुआ है तब जाके वो बना है। तो सर इग्नियस रॉक ही किसमें कन्वर्ट हो रहा है, सेडिमेंट्री रॉक में, लेकिन उसके बीच में बहुत सारा प्रोसेस है, उसमें बहुत सारा सर प्रोसेस, जिसमें कौन सा प्रोसेस है सर, ये डेनुडेशन का है, ये चारों प्रोसेस उसमें इंक्लूडेड है। नीचे आइए, अब सर इसको छोड़ दीजिए और सीधा आप कहां जाएंगे बता देता हूं, 93 पे जल्दी से आइए, आगे
एक उसमें शब्द लिखा होगा डोलोमाइट, दिख पा रहा है? डोलोमाइट, डोलोमाइट इज ऑल्सो सेडिमेंट्री रॉक। तो एग्जाम्पल वगैरह छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सेडिमेंट्री रॉक का वहां पे कुछ फीचर्स होगा, उसको ध्यान से देख लो। पहली बात, क्या सेडिमेंट्री रॉक में आपको लावा मिलेगा? अरे है ना, नो। दूसरा पॉइंट, फॉसिल्स मिलेगा? यस मिलेगा। और साथ यहाँ मिल जाएगा, इग्नियस में मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। फॉसिल्स के नीचे आओ, लेयर, लेयर बिल्कुल हो जाएगा सर यहाँ पे, क्योंकि जमा हो रहा है तो लेयर तो आपको मिल ही जाएगा। परत नीचे आइए, फोर्थ सेकेंडरी, क्या होगा ये सेकेंडरी? नीचे आओ सर, मेटालिक मिनरल तो इसमें मिल ही जाएगा, क्योंकि सर डिपोजिशन है तो उसमें बहुत सारे कुछ मिल जाएंगे। अब जरा प्लीज नीचे आइए, वेरी लेस मिलेगा लेकिन मिलेगा तो सही। सेडिमेंट्री रॉक से भी सेडिमेंट्री रॉक बनते हैं, तो सेडिमेंट्री रॉक से भी कौन सा रॉक बन जाएगा? सेडिमेंट्री। अच्छा, अब सेडिमेंट्री रॉक बन गया, अब उसमें हमने हीट दिया मान लो या प्रेशर दिया, तो कौन सा रॉक बन गया? मेटामॉर्फिक। भाई उसका चेंज हो गया ना फॉर्म, तो उसको क्या बोलेंगे? मेटामॉर्फिक। बहुत बढ़िया सर। अब एक वर्ड होगा उसमें लिथिफिकेशन, नीचे देखो लिथिफिकेशन है। लिथिफिकेशन का सिंपल मीनिंग है कि सर जब डिपोजिट हो जाएगा, इधर इधर सुन लेना और हाथ ऐसे रखना, तीन पोस्चर्स कभी मत रखिएगा, बता देता हूँ, सुन लो ध्यान से। एक पोस्चर ये वाला, ठीक है, एक ये वाला, अच्छा एक ये वाला और एक ये वाला, मतलब ये सर जो ना हाथ अब लोग कहाँ रखे तो सर बता देते हैं, बहुत सारा तरीका आपको पता है, बट ये तीनों सर इतने नेगेटिव साइन होते हैं आपके बॉडी का, जो आपके पर्सनैलिटी पर आ जाता है। मेरी खुद की हैबिट बहुत ज़्यादा थी क्लास 10 तक, तो सर वो काम नहीं करिएगा, मैं बता रहा हूँ, हमेशा ऐसे ही होता था, जैसी करोगे नींद आएगा, जैसी हाथ यहाँ गया समझिए आप निद्रा की मुद्रा में गए, दिमाग कहता बस बस एकदम बढ़िया जोन में आ गए, अब पढ़ने लिखने की कोई जरूरत, अब सर को खाली बोलो सर शुरू होइए आप, अब हम चल रहे हैं निद्रा की मुद्रा में। तो प्लीज़ ऐसे नहीं रखिएगा, मैं कसम से बता रहा हूँ, हर दिन की आपकी एक्टिविटी आपके पर्सनैलिटी पर, मैं देख के बता दूंगा कल आप क्या करके आए। अब लोग सर बड़ा खतरनाक है, लेकिन खतरनाक है ये, आप समझ लेना, कल जो किए हो आपका फेस, आपका लाइट, आपका बॉडी, पर्सनालिटी, आपके हर दिन के एक्टिविटी पर डिपेंड करता है कि कल आप क्या किए हैं, कल क्या सोचे हैं, कैसा सोचे हैं। उसी हिसाब से आप देखो ना, अरे तू तो बचपन में बड़ा भद्दा था, ऐसे सुंदर कैसे हो गया आप देखिएगा उसको बोलेगा तो आपको लगेगा क्या सर, उसके थॉट प्रोसेस पर डिपेंड करता है आपका फेशियल ग्लो, अरे फेयर एंड लवली अगर आप जो लगाते हैं तो सर ये सब इस सब पे केस भी हुआ था, इसलिए फेयर एंड लवली का नाम चेंज करके क्या कर दिएगा? ग्लो एंड लवली। सर यहाँ पे इंडिया में क्या है, सबसे पहला कोई अगर टैलेंट हो नहीं हो, पहले तो सर फेयर चाहिए, कोई टैलेंट एजुकेशन नहीं चाहिए, लेकिन सर पहले गोरा चिट्टा होना चाहिए, ये पहला कंडीशन है। ठीक है पढ़ा लिखा होगा बाद में देख लेंगे, पहले क्या चाहिए? फेयर। इतना मानसिकता सर बिलो है, इतना नीचे है, और उसके बाद एडवर्टीजमेंट में भी जिस हीरोइन को भी दिखाया जाएगा तो पूरा फेयर दिखाया जाएगा, बाद में भलेगा बिना मेकअप का दिख लिया तो पागल हो जाइएगा मतलब, लेकिन फिर भी दिखाना क्या है सर आपको? फेयर दिखाना है। मैं बोलना सिंपल ये चाहता हूँ कि सर आपका लाइफ में जो भी एक्शन है ना, जो जवाहरलाल नेहरू बोले थे माह लाइफ माय रूल है, तो जो माह लाइफ माय रूल है उसमें एक बात डिपेंड करिएगा, आपका वर्क हर दिन डिसाइड करता है कि आपका फेशियल एक्सप्रेशन क्या होगा। और मैं चाहता हूँ अगर आप गोरा चाह रहे हैं कि आप गोरा रहें, गोरा होना इंपॉर्टेंट नहीं है सर, आप चाहते हैं लाइट रहे, तो मैं ही बोलो थॉट प्रोसेस ठीक कर लो, ट्रस्ट मी आपको कुछ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी सर थॉट गंदा रखो और जितना लपेटना पोतना है पोतते रहो, जो क्रीम दुनिया भर का चमक छोड़ो सर, उसके बाद सर देख के घिन आना शुरू हो जाएगा। तो लिथिफिकेशन का मीनिंग क्या बोला? मेरा सिंपल रूल, एटीट्यूड बदलिए सर, थॉट प्रोसेस बदलो, सोचने का तरीका। एक दिन भर में आप ये सोच रहे हो कि इसका घर वर जल जाता ना कहे कि बना दिया है यही फेल हो जाता ना, हमसे आगे कहे निकल गया, अगर ऐसा सोच रहे हैं तो सर आप समझिए कि आप जा रहे। इसलिए इंसान क्यों देख के कुछ सालों बाद बता देता है यार तुम तो बड़ा बदल गए यार, बिकॉज ही हैज लाइक रियलाइज्ड कि यार पहले जैसा था वैसा आज नहीं है, क्योंकि आपने थॉट प्रोसेस बदल लिया है। आप समझ पा रहे हैं? आपको देख के इसलिए नहीं बोला कि आप चेहरे और उससे, नहीं, उसने थॉट से जज किया आपको कि यार तुम तो बदल गए हो, पहले तो तुम यार बुरा मान जाते थे छोटी छोटी बात पे, अब नहीं मान, बोला क्या यार, समझ रहे हो अपन बड़े हो गए इससे। तो थोड़ा सा एटीट्यूड पे रखिएगा, मैं पर्सनली फील करता हूँ, जितने लोग लगाते उगाते होंगे तो सर बैचलर या सभी लोग से विनती है कुछ हद तक नहीं लगाएंगे तो मैं ठीक रहेगा, ठीक है, बाकी मत ही लगाइएगा सर, बेकार होता है। नीचे आइए, वैसे आप जब लवासना जाएंगे तो वहाँ पे क्रीम मिलता है लवासना में, पर वो क्रीम वैसा नहीं होता है जैसा आप सोच रहे हैं, वो क्रीम डिफरेंट होता है सर, समझ रहे हैं, वो काफ़ी अलग क्रीम होता है जिसमें एक बार लगाने के बाद जीवन में आप दोबारा नहीं लगा पाएंगे 94 पे आइए, आगे पूरा चेहरा जल जाएगा। 94 पे इग्नियस रॉक सेडिमेंट्री रॉक का डिफरेंस लिखा हुआ है, देख लीजिए, देख पा रहे हैं? इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक का डिफरेंस है, देख लो क्या क्या है, समझ लो, समझ में आ जाएगा, डायरेक्ट कनेक्टेड विथ लावा, इसलिए इग्नियस रॉक को प्राइमरी रॉक भी बोलते हैं। इग्नियस रॉक को क्या बोल रहे हैं? प्राइमरी रॉक, क्योंकि लावा से बन रहा है,
और सेडिमेंट्री को क्या बोल रहे हैं? सेकेंडरी। क्यों? क्योंकि सर इग्नियस रॉक से क्या बन रहा है? सेडिमेंट्री रॉक, तो उसको सेकेंडरी बोल रहे हैं। नीचे आइए, मेड फ्रॉम लावा, इग्नियस मेड फ्रॉम लावा, इसे आपको पता है सर, फॉसिल्स नहीं मिलेगा, नो लेयर, मोर क्रिस्टलाइन होगा, इग्नियस मोर क्रिस्टलाइन होगा। नीचे आइए, मोर मेटालिक मिनरल्स इसमें ज्यादा पाए जाएंगे। क्रिस्टलाइन मतलब क्या? ज्यादा शेप, स्ट्रॉन्ग सॉलिड टेक्सचर। उसके बाद मेड फ्रॉम सेडिमेंट, फॉसिल्स इसमें मिलेगा, लेयर भी मिल जाएगा आपको, लेस क्रिस्टलाइन होगा, लेस मेटालिक मिनरल्स होगा, मिनरल्स होगा लेकिन काफी कम होगा। सुन पा रहे? नीचे आइए, मेटामॉर्फिक दिख रहा है ना, बोल लो। मेटामॉर्फिक में क्या लिखा हूं? लाइम स्टोन, एक रॉक था, उस रॉक को हमने कन्वर्ट करके दूसरे रॉक में बदल दिया, उसको क्या बोल रहे हैं? मेटामॉर्फिक। नीचे आइए और समझिए वहां पे। अब कोल एंड डायमंड में समानता है कार्बन की, बट दोनों का अपीयरेंस, स्ट्रक्चर, प्रोसेस, फॉर्मेशन इज डिफरेंट। सर भले ही कोल और जो आपका डायमंड उसमें समानता है कि कार्बन से मिलकर दोनों बना है, लेकिन सर दोनों के टेक्सचर में, शेप में, अपीयरेंस में, कलर में बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। तो हुआ कैसे? तो कुछ ना कुछ इसमें फैक्टर तो काम किया होगा, या तो हीट या प्रेशर। जनरली दो फैक्टर पे आप दिमाग में रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ हमेशा पूछता है हीट और प्रेशर से क्या क्या चेंजेस किस में आया है। सुन पा रहे हैं? और फिल इन द ब्लैंक्स दे देता है बढ़िया से, अरे यूपीएससी के एकदम फेवरेट है, इसमें आराम से पूछ लेगा। तो यार रटंतु विद्या घटंतु बुद्धि नहीं चलेगा। नीचे आइए, वहां पे एक लास्ट में एक सेंटेंस लिखा होगा, उस सेंटेंस पे ध्यान दे लेना, काम हो जाएगा। सो एनी रॉक हुज अपीयरेंस, स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन गेट्स चेंज ड्यू टू हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर एंड देन केमिकल रिएक्शन और बाय ऑल, देन इट इज कॉल्ड मेटामॉर्फिक रिएक्शन। मेटामॉर्फिक रॉक का सिंपल मीनिंग है कि कोई भी एक रॉक जो दूसरे रॉक में बदल जाए, चाहे केमिकल रिएक्शन के वजह से, चाहे हीट के वजह से, चाहे प्रेशर के वजह से, उसके साइज, टेक्सचर में, अपीयरेंस में चेंज हो जाए, उसको क्या बोलेंगे? मेटामॉर्फिक। पेज नंबर 95 पे आइए और वहां पे कुछ एग्जांपल लिखे होंगे, और इसी एग्जांपल में से आप जाके देखोगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो खैर बनवाऊंगा ही, उसमें आप देखोगे तो मैक्सिमम इसमें तीन क्वेश्चन आपके कन्वर्ट हो जाएंगे। पहला, फर्स्ट, ग्रेनाइट दिख रहा है, ग्रेनाइट को आपने प्रेशर दिया, ध्यान से देख लीजिएगा, ग्रेनाइट को क्या दिया? प्रेशर दिया, क्या बन गया? नीस। सर नीस इज ए टाइप ऑफ अलग रॉक बन गया। दूसरा नीचे आओ, लाइम स्टोन को आपने हिट किया, चूना पत्थर को, तो मार्बल बन गया, क्या बन गया? मार्बल। नीचे आइए सर, कोल, कोयला को आपने हिट किया, तो एंथ्रासाइट, ग्रेफाइट, डायमंड। और मैंने कोयला का भी टाइप आपको पहले बताया था, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस वगैरह। तो सर जो आराम आराम से पक्का होगा वो बढ़िया कोयला होगा, अरे है ना, जो बढ़िया सा होगा, तो सर सेम होगा, क्रिस्टलाइन ज्यादा होगा वो। अब जो बेकार कोयला होगा ऊपर ऊपर मिल जाएगा सर, उससे ज्यादा खाली पहले आग मिलेगा कम, धुआं ज्यादा, बुझा रहा है? नीचे आइए, थर्ड, क्ले को कन्वर्ट किए, हीट दिए तो क्या बन गया? स्लेट। क्या बना? स्लेट। उसके बाद फिर स्लेट को हीट किए तो क्या बना? फाइलाइट। क्या बना? फाइलाइट। नीचे आ जाओ, सैंडस्टोन को हीट किए तो क्वार्टजाइट बना, क्या बना? क्वार्टजाइट। उसके बाद लास्ट में सिक्स में, क्ले और सेल को प्रेशर दिए तो क्या बन गया? सिस्ट। सर ये एज इट इज दिमाग में रखना, क्योंकि क्वेश्चन कैसे पूछ लेता है बता देता हूं। जैसे लाइम स्टोन दिया, हीट लिख दिया, हीट के बाद गैप छोड़ दिया, अब वहां पे पूछेगा क्या बनेगा, बुझा रहा है? तो मार्बल। तो ये चार पांच याद रख लेना, और कभी कभी हीट या प्रेशर पूछ लेता है। लाइम स्टोन दे देगा, बीच में गैप, फिर दे देगा क्या, क्या बन गया? मार्बल, बीच में हीट की प्रेशर। सुन पा रहे हैं? तो देखोगे तो मैंने ट्रिक आपको बताया था हीट एंड प्रेशर के लिए, इसमें दो जगह मात्र प्रेशर है, बाकी हर जगह हीट है, देख पा रहे? मतलब हर जगह हीट करने से ही कोई चीज कन्वर्ट हो रहा है, प्रेशर का कन्वर्जन दो जगह, बाकी सर फिर भी एक बार अभी लिखवाऊंगा, जरूरी है। और मैं आपको बताऊं, यहां से आपके एक से दो क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, हमेशा हो जाता है, हमेशा। नीचे आइए, थर्ड, अब सर उसके नीचे आएंगे तो कुछ नहीं करना है सर, वहां पे कुछ लिखा हूं उसको देख लो, नीस, मार्बल, एंथ्रासाइट, ग्रेफाइट, स्लेट, क्वार्टजाइट आर सम एग्जांपल ऑफ मेटामॉर्फिज्म, सो एनी रॉक्स कैन बी कन्वर्टेड, कोई भी रॉक सर मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट हो सकता है। नीचे ये एग्जांपल, अफ्रीका में डायमंड ज्यादा मिलता है, मैपिंग में पढ़ाया था आपको, अब अफ्रीका, हाँ हाँ रुक जाना, अभी रुक जाना, अफ्रीका में डायमंड ज्यादा मिलता है बिकॉज कोल का हीट होना जिसमें डायमंड में कन्वर्ट होता है ज्यादा बार हुआ है, इसलिए ज्यादा डायमंड मिलता है। मतलब हीटिंग प्रोसेस उसका काफी ज्यादा बार हुआ है और काफी स्लो आराम आराम से हुआ है, तो सर बनेगा ही बनेगा वो, बुझा? अच्छा सच में समझ आ रहा है ना? नीचे आ जाओ, अब सर एक दिखेगा वहां पे पेट्रोलॉजी, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, व्हाट इज पेट्रोलॉजी? तो पेट्रोलॉजी मतलब होता है साइंस ऑफ स्टडिंग रॉक, मतलब चट्टानों के बारे में पढ़ने की विज्ञान को बोलते हैं पेट्रोलॉजी। क्या बोलते हैं? पेट्रोलॉजी। ये सर आता है चट्टानों के बारे में पढ़ने के लिए, रॉक्स के बारे में पढ़ने के लिए, आप रॉक्स का कौन वैरायटी है, कैसे है भाई, उसका भी तो रिसर्च होता है, ऐसा थोड़ी है आज हमें पता चल गया इसका नाम मान लो क्वार्टजाइट, इसका नाम डायमंड है, बट कुछ ना कुछ रिसर्च होकर ही नाम रखा गया, तो उसके स्टडिंग को, रॉक के पढ़ने को, कला को क्या बोलेंगे? क्या? पेट्रोलॉजी, याद रखना। और मैप के पढ़ने को क्या बोलते हैं? मैप के स्टडिंग पढ़ने को क्या बोलते हैं बताओ? पढ़ा बताया था, अरे नहीं नहीं मारूंगा नहीं मैं बताओ पहले, अरे जल्दी, जियोडेसी किसको बोलते हैं?
अरे बोलो ना, जियोडेसी किसको बोलते हैं? थोड़ा ना ध्यान देके मतलब कर लेना रिवीजन, क्योंकि 7 दिन में निपट जाएगा और उसके बाद फिर ना तोते गिनते रहना। तो मैं पहले बता दे रहा हूँ, कभी भी आपका एग्जाम का, मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, एग्जाम का रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ आईएएस का रिजल्ट रिवीजन से आएगा। इसीलिए मैं अभी इसको ख़त्म करने के बाद तो डंडे तो खैर मैं वो जो करूँगा वो करूँगा ही, लेकिन उसके बावजूद फिर भी बोल रहा हूँ, आप लोग उस फेज में नहीं है कि आप लोग को सर बोल के करवाना जाना चाहिए, बुझा रहा है सर? इतना बड़ा रिस्क लेके यहाँ पे करने का और इतने घंटे मेहनत करने का कारण ये है कि रिजल्ट के लिए ही है, नहीं तो सर अभी तक बहुत कुछ कर दिया रहता, बहुत जल्दी ख़त्म ही हो। तो थोड़ा सा मेरा रिक्वेस्ट ये है कि अब आप जहाँ तक सिलेबस जा रहा है, हर दिन हर सब्जेक्ट को सेग्रीगेट करके करते जाइए, थोड़ा थोड़ा करते जाइए, एक छोड़ के नहीं। अब पॉलिटी खत्म हो गया, पॉलिटी खत्म अगर हो रहा है उसका सर एक दिन हर बार वॉच करते जाइए, समझ आ रहा है? आगे तो 55-60 मॉक टेस्ट, 100 मॉक टेस्ट करवाऊंगा वो तो ठीक है, बट रिवीजन जब आप कर रहे हैं तो उसको करते चले जाइएगा। और जो 2023 में देना है, मैं उन लोगों का ग्रुप ऑलरेडी वैसे बनाया हुआ है, लेकिन फिर भी जब आपका परफॉर्मेंस ठीक नहीं होगा मैं अलग नहीं करूंगा, मैं पहले मैं टेस्ट के बिहाव पे ही ग्रुप में रखूंगा अलग, मैं चुन के उन्हीं को रखूंगा, टेस्ट लूंगा उसमें जो नंबर आएंगे उसी के बिहाव पे ही करूंगा, और ये टेस्ट इसी मंथ के लास्ट तक होगा, उसी बिहाव पे मैं सेग्रीगेट कर रखूंगा, नहीं तो फिर नॉर्मल आप चलते रहेंगे। सुन पा रहे? क्योंकि सर मुझे भी आपको रिजल्ट देना है, मैं रिजल्ट के लिए पढ़ा रहा हूँ, रिजल्ट के लिए देना है तो मैं रिस्क नहीं ले सकता। जिसको नहीं करना है कुरकुरे खाओ, नीचे आइए। अब सर रॉक्स दिख रहा है तो दो चीज दिमाग में रखिएगा, जाके रिवीजन नहीं बताऊंगा, रिवीजन जाके करिएगा। नीचे आइए, रॉक्स में नीचे इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक। तो ये तीनों टाइप आपको वहां कंक्लूड किया हुआ है, वहां पे दो टाइप मेटामॉर्फिक का लिखा हुआ है, एक तरफ डायनेमिक दूसरी तरफ थर्मल, दिख रहा है? एक तरफ डायनेमिक है दूसरा क्या है? थर्मल। डायनेमिक में कुछ लिखा होगा, चेंजेस विदाउट एनी केमिकल चेंजेस, मैकेनिकल नॉर्मल, मतलब एक ऐसा चेंज हुआ जो नॉर्मली हुआ, उसमें बिना कुछ केमिकल एडेड बिना कुछ किया ऐसे ही नॉर्मल चेंज हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे? डायनेमिक। क्या बोलेंगे? डायनेमिक। और एक तरफ आपका है थर्मल, जिसमें केमिकल चेंज टेक्स प्लेस, जैसे टेम्परेचर चेंजेस देन केमिकल, मतलब उसमें कोई ना कोई फैक्टर काम किया तब जाके वो रॉक का रूपांतरण हुआ। एक नॉर्मली हुआ, मान लो यहाँ पे आप गए थे, घास यहाँ पे ऑटोमेटिक जम गया, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इससे नहीं है लेकिन घास ऑटोमेटिक नॉर्मल हुआ, आपने तो इसमें खाद जोड़ा ना कुछ किया, कुछ नहीं किया। अब सर धान रोपने के लिए आप क्या करेंगे? फर्टिलाइजर्स डालेंगे, कुछ डालेंगे तब जाके बढ़िया होगा। तो सर आपने वहाँ केमिकल चेंज करवाया, लेकिन यहाँ पे आपने क्या किया? नॉर्मल चेंज किया। तो जहाँ नॉर्मल चेंज कोई हो रहा है रॉक का, उसको क्या बोलेंगे? क्या? डायनेमिक। और जहाँ पे केमिकली उसमें आप कोई भी चीज ऐड करके, चाहे कोई भी फैक्टर ऐड करके कर रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? थर्मल। अब जरा 96 पे आना, एक रॉक साइकिल दिखेगा, और पूरे अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं तो रॉक साइकिल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरे अगर मैं सेडिमेंट्री और रॉक के चैप्टर की बात करूं तो 96 पेज पे जो आपका रॉक साइकिल है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसको आपको समझ लेना है। समझ जाओगे? तो एक बार मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, बाकी एक बार और अभी आपको बनाना पड़ेगा। पहले आ गए उस पर सभी लोग? अच्छा, ध्यान से बस 50 सेकंड उस पर देखो तो कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, थोड़ा ध्यान से देखो, खाली बस एक बार देख लो, तब तक मैं थोड़ा सा ड्रॉ कर लेता हूं। देख लिए? कुछ बुझा गया होगा?
नहीं भी बुझाया तो कोई बात नहीं, तो पहले मैं आराम से बता देता हूँ, सुन लो, समझ में आ जाएगा। सभी लोग देख लो, आप बहुत देख लिए, काफ़ी मेहनत किए, अब बता देता हूँ, सुन लो। सिंपल सा बात है, पहले शब्द पे ध्यान दो। क्या बोला है? रॉक साइकिल। क्या बोला हूँ? साइकिल का मीनिंग क्या होता है? द्विचक्र वाहिनी। तो सर साइकिल का मीनिंग ये है कि कोई भी एक प्रोसेस जो बार बार रिपीट हो रहा हो, सेम पैटर्न, तो उसको क्या बोल रहे हैं? साइकिल। जैसे बोल रहे हैं वाटर साइकिल। वाटर साइकिल पढ़े भी हो गए आप लोग? अरे पढ़े हो ना, वाटर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल। मतलब क्या हो रहा है वाटर साइकिल में? क्या हो रहा है कि सर ऊपर से सनलाइट आया, पानी गर्म हुआ, वेपराइज हुआ, ऊपर जाके बादल बना, बादल बन के कंडेंस हो गया, फिर यही प्रोसेस डेली रिपीट हो रहा है। हाँ या ना, इसको कौन सा साइकिल बोल रहे हैं? वाटर साइकिल। अब यहाँ क्या है? रॉक साइकिल, मतलब रॉक का कैसे बनना, यही प्रोसेस बार बार रिपीट हो रहा है। अब सर शुरुआत जहां से भी करो आप, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी इसमें करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी हम शुरुआत करते हैं पहले लावा निकलने से। ठीक है, बुझा रहा है? इधर देखिए, मैग्मा का मीनिंग क्या होता है? जब तक नीचे था उसको क्या बोल रहे थे? मैग्मा। मतलब वो सारा कुछ जो नीचे था वो क्या था? मैग्मा। अब वो मैग्मा ऊपर आ गया है तो क्या बन गया? लावा। अब लावा हुआ तो उसके देखो कूलिंग हुआ, क्या हुआ? तो लावा जब कूल हुआ तो क्या बना? कौन सा रॉक? अरे बोल लो, इग्नियस। तो क्या हो गया? इग्नियस रॉक। अब इग्नियस रॉक से सेडिमेंट्री रॉक बनाने के प्रोसेस के बीच में डेनुडेशन, अरे है ना, तो इग्नियस से आपने क्या बना लिया? सेडिमेंट, सेडिमेंट से बना के क्या बन गया? सेडिमेंट्री रॉक। बुझा रहा है? अब सेडिमेंट्री रॉक को फिर हीट और प्रेशर देंगे तो क्या बन जाएगा? मेटामॉर्फिक। हाँ है ना, और अगर हम इग्नियस रॉक को डायरेक्ट चाहते हैं मेटामॉर्फिक बनाना तब भी बनेगा, क्यों? क्योंकि उसमें भी हम क्या करेंगे? हीट और प्रेशर देंगे। अगर सेडिमेंट्री रॉक को हम वापस चाहते हैं मेल्ट करके और कहाँ बना दें? मैग्मा में। वो भी पॉसिबल है, क्या कि सेडिमेंट्री रॉक जब खत्म होगा तो मेल्ट करके नीचे ही जाएगा, नीचे जाएगा फिर क्या हो जाएगा? मैग्मा बन जाएगा। फिर मैग्मा, वही मैग्मा फिर क्या आएगा? ऊपर आएगा, ऊपर आकर फिर क्या करेगा? कूल होगा, फिर लावा बनेगा, फिर ये प्रोसेस क्या है? तो रॉक साइकिल में आप किसी को भी एक दूसरे से कन्वर्ट करना चाहो तो कर सकते हो। तो रॉक साइकिल का मीनिंग क्या है? एनी रॉक कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनी रॉक फॉर्म। कोई भी रॉक किसी भी रॉक में कन्वर्ट हो सकता है, इस बात पे डिपेंड करता है कि फैक्टर क्या क्या है उसको। अच्छा समझ में आ रहे? कुछ फील नहीं हो रहा, ऐसा हो गया है दिमाग? अब महसूस करना, ये जो पूरा पार्ट है समझना ध्यान से। अब सर अलग अलग फैक्टर, एक जगह मेल्टिंग है, हीट एंड प्रेशर है, तो ऑलरेडी आपको बताया कि फैक्टर अलग अलग होगा। अब डायनेमिक क्या होगा जो नेचुरली हुआ है, और थर्मल क्या होगा जिसमें केमिकल ऐड हुआ है? सुन पा रहे? अब सर मेटामॉर्फिक रॉक बना है और मेटामॉर्फिक सर फिर मेल्ट करेगा तो मेल्ट करके जो भी जाएगा नीचे ही जाएगा ना भाई, रॉक मेल्ट करके कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। फिर नीचे जाएगा तो क्या बनेगा? मैग्मा। और मैग्मा से फिर क्या? कूल होगा, फिर कूल होकर फिर इग्नियस, फिर सेडिमेंट्री, फिर मेटामॉर्फिक, फिर अब ये प्रोसेस है जीवन भर। कुछ समझ आ रहा है? नहीं भी समझ में आ रहा होगा तो हाँ बोलना। नीचे आओ, दिख पा रहा है? नीचे आइए, 96 पे। नहीं कहेंगे सेकेंडरी, नहीं नहीं मेटा, देखिए इस मेटामॉर्फिक को आप सेडिमेंट्री नहीं कहिए, लेकिन आप इसको सेकेंडरी कह सकते हैं इस कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि ये सेकेंडरी क्या है? सेकेंडरी का सिंपल एक मीनिंग है, जो दूसरे से निकल के आके बनाओ, द्वितीयक, जो किसी दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे अगर इग्नियस से भी मेटामॉर्फिक जाए तो भी मेटामॉर्फिक को इस कॉन्टेक्स्ट में सेकेंडरी बोलेंगे, लेकिन अगर हम कंपैरिजन इससे और इससे करें तो फिर सेडिमेंट्री क्या हो जाएगा? सेकेंडरी। इग्नियस क्या हो जाएगा? प्राइमरी। अब यहाँ देखिए, सेडिमेंट्री से क्या बना? मेटामॉर्फिक। तो इस केस में सेडिमेंट्री प्राइमरी हो गया और मेटामॉर्फिक क्या हो गया? सेकेंडरी हो गया। तो कॉन्टेक्स्ट वाइज वो बदल जाएगा। अब जरा नीचे आइए, वहां पे कुछ शब्द लिखेंगे, उन शब्द को ध्यान दे लीजिए क्योंकि वो शब्द बड़े काम के हैं। सर देख लीजिए नीचे, पहला इग्नियस रॉक दिख रहा है, मेल्टिंग, मेल्टिंग करके क्या बना? मैग्मा। बिकॉज इन प्लेट टेक्टोनिक्स प्लेट विल ब्रेक एंड गो इनसाइड मेल्ट एंड बिकम मैग्मा। नीचे आइए, मेटामॉर्फिक को हीट एंड प्रेशर देंगे, देन वापस क्या बन जाएगा? मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक को भी तो मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट कर सकते हैं ना बॉस। नीचे आइए, दैट इज क्ले सॉल हीट किए, स्लेट बना, स्लेट को वापस हीट कर दिए तो फाइलाइट बन गया। तो मेटामॉर्फिक पहले था ही, फिर हीट दे दिए, क्या बन गया? मेटामॉर्फिक। नीचे आइए, बैंडिंग एक शब्द है, जब मेटामॉर्फिक रॉक बनती है तो अलग अलग कलर्स की लेयर बन जाती है, उसी को बैंडिंग बोलते हैं। तो मेटामॉर्फिक रॉक जब बनेगा सर, आप उसमें हीट प्रेशर दिए तो उसमें कुछ ना कुछ तो चेंज आएगा ही ना बॉस, और चेंज आने के प्रोसेस को ही तो हम क्या बोल रहे हैं? मेटामॉर्फिक। अब सर मान लीजिए मैंने क्या बोला, लोहे में कॉन्टिन्यूस आप देते जा रहे हो इलेक्ट्रिक करंट, तो लोहा क्या है कुछ समय बाद मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा, चुंबक की तरह, उसमें गुण आ जाएगा चुंबक वाला।
तो सर वो क्यों हुआ, क्योंकि कॉन्टिन्यूस क्या जा रहा था, इलेक्ट्रिक करंट। अब सर एक अदर सोर्स से उसी तरीके से किसी भी चीज पे आप अगर हीट या प्रेशर दे रहे हो तो उसके कलर में, उसके टेक्सचर में कुछ ना कुछ तो फॉर आए, जो फर्क आ रहा है कलर का स्पेस, उसको बोल रहे हैं बैंडिंग। क्या बोल रहे हैं? बैंडिंग। नीचे आइए, उसके बाद है सर फोलिएशन और लिनिएशन। दिख पा रहे हैं? ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक अलग अलग मिनरल्स की लाइनिंग बन जाती है, उसी को बोलते हैं फोलिनिएशन। जब मेटामॉर्फिक रॉक बनेगा सर, मेटामॉर्फिक आप देखोगे तो कैसा होता है, वो बहुत सारा कुछ मिलके ही बना है वो, तो मिलके उसमें अगर बना है और एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, तो कुछ ना कुछ मेटल्स का अलग अलग लाइनिंग आ जाता है। जैसे फुटबॉल आप देख लो, तो फुटबॉल में देखोगे तो क्या एक काला है एक वाइट है, खंड होता है ना मान लो, तो काला वाइट फिर उसमें नीला भी अगर आ गया तो क्या हो रहा है, वो इसी टाइप का जो रॉक है उस रॉक में क्या हो गया, काला वाला कुछ अलग टाइप के मिनरल्स को दर्शाता है, पीला वाला कुछ अलग टाइप के मिनरल्स को दर्शाता है, और आपको ऐसे ऐसे बहुत सारे रॉक मिल जाएंगे जिसमें बहुत सारा कलर होगा। बुझा रहा है? और सर अब वापस पूरा का पूरा रॉक आपका यहीं पे होता है खत्म, तो रॉक का वापस मैं पूरा एक बार रिपीट कर देता हूँ और जीवन का आनंद फिर ले लेंगे आगे चल के। पूरा रिपीट कर देता हूँ, सुन लो। तो जो रिकैप मैं बताऊँ और बार बार बोलता भी हूँ, आप समझ भी गए होंगे, मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट फेज ये होता है कि क्लास में और कोई दो घंटा पढ़ाने के बाद रिपीट कर दे पाँच मिनट तो पूरा सर दिमाग में आ जाता है। सुन पा रहे हैं? उसके लिए गट्स चाहिए, हिम्मत चाहिए, एनर्जी चाहिए, लेकिन अगर आप कर देते हैं तो ईजी हो जाता है, मेरा पर्सनली मानना है। तो मैं वही चीज़ पहले ध्यान में रखता हूँ, बाकी बहुत बहुत कम टीचर ऐसे मुझे मिले हैं जो लास्ट में रिकैप की हो, बहुत कम, पढ़ा के भाग जाते हो। सुन पा रहे? घंटी बजा, अरे अरे करो, गए, उसके बाद आप भी गए। अब आप पाँच मिनट फिर क्या करो, पेज पलटोगे, कथी कथी पढ़ाए हैं। स्कूल में क्या होता था, आप 45 मिनट का पीरियड है, यहाँ पे भी आज भी लोग IAS कराने के लिए 50 मिनट में IAS बना देंगे, तो सर अब क्या है, आप देखे ऐसे खींचे, अब आपको वापस वही काम सर के जाने के बाद करना पड़ रहा है। अगर सर दो मिनट रुक के और बोल देते पुराना तो काम आसान हो जाता। सुन पा रहे हो? सो लिए, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो मुबारक हो आप लोग जिन लोग सो के ऊपर आ गए। रिपीट कर देता हूँ सर, अभी फीलिंग तो ही आ रहा सर, राज हम यहाँ सोने आए। देखिए इधर, फर्स्ट रॉक का शुरू करते हैं, तो रॉक का बनना, ठीक है? तो रॉक आपका मेन, उसका मैग्मा का ऊपर निकलना, लावा बनना, लावा से फिर कौन सा रॉक बना, इग्नियस रॉक। बुझा रहा है? इग्नियस रॉक के सर तीन टाइप। पहला इग्नियस का मीनिंग क्या था? इग्निस फायर, और फायर सर मतलब कि जो डायरेक्ट किससे बना हो, लावा से, तो कौन सा रॉक हो गया, इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक के सर तीन टाइप, एसिडिक इग्नियस रॉक, बेसिक इग्नियस रॉक, इंटरमीडिएट इग्नियस रॉक। ऐसा रॉक जो एसिड लावा से बना है, कौन से लावा से, एसिडिक। एसिड लावा क्या होता है, जिसमें सिलिका का मात्रा ज्यादा। सर एक प्रोसेस को उठाओ और एक प्रोसेस से पूरा का पूरा खींच दो, एक फैक्टर से आप पूरा ज्योग्राफी रिवीजन कर सकते हो। इसको जाके बैठ के और इस तरह से रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पढ़ाई के लिए ये नहीं कि रटना पड़ रहा है सर, ऐसा काम नहीं करना पड़ेगा आपको, रटना पड़ेगा क्या, अरे महसूस कर लो सर, काली मिट्टी उठाए, काली मिट्टी में पूरा ज्योग्राफी रिवाइज कर लो। अच्छा काली मिट्टी है मतलब बसाल्ट रॉक, बसाल्ट रॉक मतलब बेसिक लावा, बेसिक लावा से आया वो मतलब सर दो और लावा, एक और एसिडिक लावा था। अब एसिडिक लावा का फीचर, बेसिक लावा में क्या है सर, अदर मिनरल्स ज्यादा है, सिलिका क्या है कम, एसिडिक लावा में सिलिका क्या है ज्यादा, बेसिक लावा का कलर डार्क होगा, एसिडिक लावा का कलर क्या होगा लाइट होगा। सर मिट्टी खाली देखे हो आप, काली मिट्टी देखो और काली मिट्टी से पूरा रिवाइज कर रहे हो, बात खत्म। पढ़ाई कभी भी, और कोई टॉपर ऐसे नहीं सर कि माथा मर के और टेबल पर चढ़ते रहते, चलते फिरते सर सोच सकते हो आप, देखते इस दुनिया में हर कुछ को देख के आप आइडिया लगा सकते हो, अपने पूरे सिलेबस का रिवीजन कर सकते हो, कोई तकलीफ नहीं। घर पे बैठे हो, फ्री हो, काम कर रहे हो, जॉब में हो, फ्री हो, दो मिनट टाइम मिला, देखा पंखा, अच्छा पंखा, पंखा क्या है, पंखा से याद करो मटेरियल क्या है, अच्छा रॉक तो नहीं है, रॉक पाया, रॉक शब्द है, रॉक से पूरा डिटेल, कुछ ना कुछ उसको कनेक्ट करके सर आप रिवीजन कर लो। सबको लगेगा टाइम वेस्ट है, आपसे रिवाइज कर रहे हो, रिवीजन के लिए आप घर बढ़ाए रहते हैं, घर जाके पढ़ना है, पढ़ना है, कुछ नहीं करना है, नथिंग। आप जहाँ पे हो देन एंड देयर थोड़ा आँख क्लोज करो और सोचो क्या पढ़े थे, रिलैक्स रहो, एंड देन अगेन आप रिवाइज अंदर मन में मन करने की कोशिश करो, कितना याद आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। ये जो याद आएगा ना, ये जो प्रोसेस, ये परमानेंट होता है, और जो कॉपी किताब जो देखोगे ना वो टेम्प्रेरी होता है, हर बार जब भूलोगे फिर कॉपी देखोगे, और जब तक कॉपी नहीं देखोगे तब तक चैन नहीं आएगा। आप समझ पा रहे? जैसे अभी मैंने क्वेश्चन आपको बोल दिया, क्वेश्चन पूछा कि सर क्या होता है, मान लो मैप के स्टडी को और उसको क्या मान लो बोल दिया, मैंने क्वेश्चन नॉर्मली कुछ भी पूछ दिया, अब आपको नहीं आ रहा है, अब अंदर बेचैनी है, कब जाएं या कब देखें, अब कब आप जो देख रहे हो ये गलत है, क्यों, क्योंकि सर आपने आत्मसात नहीं किया, आपका आदत ये बन गया कि जब भूलोगे तब कॉपी देख रहे हो। आप आराम से हर दिन आधा घंटा ये करके रखो, हर दिन याद करने का कोई अलग से सर नहीं आता है रॉकेट साइंस, नॉर्मली रात में सोने से पहले आंख बंद करो और सोचो आज क्या क्या पढ़े थे, भले ही नींद आ जाए, लेकिन आप पांच मिनट भी अगर सोच लिए तो सपने में पूरा याद आ जाएगा आपको, मैं गारंटी दे रहा हूँ, सपने में वही चलता है जो आप रात में सोने से पहले और पूरा दिन भर सोचे हो। तो पहला बात, इग्नियस रॉक दिमाग में आ गया, एसिडिक बेसिक और क्या, इंटरमीडिएट। सुन पा रहे हो? इंटरमीडिएट क्या है सर, जिसमें एसिडिक भी और, अच्छा डार्क कलर एसिड का होगा कि बेसिक का,
बेसिक का है ना, बहुत बढ़िया सर। अब उसके आगे आ जाओ, और मैंने बोला फॉसिल्स मिलेगा कि नहीं इग्नियस में, मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। अब उसके आगे और बढ़ते चल जाओ, सेडिमेंट्री पे आ जाओ। एक टर्म बोला था डेनुडेशन, डेनुडेशन के अंदर क्या क्या है? वेदरिंग, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन। पहले टूटा, फिर लेयर हट गया, फिर वो हट के किसी और जगह चला गया, वहां जाके फिर जमा हो गया और नया रॉक बन गया। यहाँ तक क्लियर है? पक्का? बहुत बढ़िया। अब इसके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब उसको बताया डेनुडेशन के बाद सेडिमेंट्री में, तो यहाँ पे क्या आपको लावा डायरेक्ट मिलेगा क्या? मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो सर उसके बाद मैंने यहाँ फॉसिल्स मिलेगा, मिलेगा। अब उसके बाद सर मेटामॉर्फिक में चेंज ऑफ फॉर्म हो गया। चेंज ऑफ फॉर्म में आपको दिमाग में रखना है कि मेटामॉर्फिक में आप हीट और प्रेशर से कर सकते हो। किस चीज को क्या हीट करोगे तो क्या बनेगा, नहीं बनेगा, इस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं? मेटामॉर्फिक। क्या बोल रहे हैं? मेटामॉर्फिक। अब सर मेटामॉर्फिक के बाद रॉक साइकिल आपको पूरा दिमाग में रखना है। अगर रॉक साइकिल दिमाग में आ गया, काम बन गया। और रटना क्या है सर? सीधा सोचो ना कि सर ऐसे ऐसे सोचो, रटो कुछ मत, बोर्ड पे मत सोचो। महसूस करो कि पहले जो रॉक बनने से पहले नीचे का चीज ऊपर आया होगा, तो नीचे जब था तो क्या बोले थे? मैग्मा। मैग्मा ऊपर आ गया, क्या बन गया? लावा। वही मैग्मा का सामान सारा ऊपर आ गया, क्या नाम हो गया? लावा। अब लावा से जो रॉक बन रहा है उसको क्या है? इग्नियस। इग्नियस से फिर कौन सा रॉक? सेडिमेंट्री रॉक। अपरदन उपरदन होते हुए, डेनुडेशन होते हुए, सेडिमेंट्री के बाद फिर हीट प्रेशर दिए, तो कौन सा रॉक? मेटामॉर्फिक। फिर मेटामॉर्फिक को आप कन्वर्ट करते जाओ इधर उधर सब, वहां पे जो आपका काम बन जाए सर, ये टोटल रॉक साइकिल बन जाएगा। हाँ है ना? तो क्या हर रॉक को किसी भी रॉक में कन्वर्ट किया जा सकता है? जा सकता है। उसमें अदर अदर फैक्टर डिपेंड करता है, लेकिन किया तो जा ही सकता है, क्योंकि मेटामॉर्फिक भी मेल्ट होकर नीचे ही जाएगा, और नीचे जाएगा तो मैग्मा, मैग्मा से फिर आके फिर इग्नियस रॉक बनेगा ही बनेगा। तो यहाँ तक क्लियर है? ईमानदारी से बोलना, मजा आया क्या? पक्का? नहीं भी आया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे, क्या फर्क पड़ता है। खैर 97 पे आइए एक बार और जीवन का आनंद लीजिए। पेज नंबर 97 नहीं है, अरे भेज चुका हूँ सब, होगा है ना, 107 तक इस पीडीएफ में होगा, और उसके बाद कल और भेजा था ग्रुप में, ठीक है? तो चलिए, ऐसा ना नहीं बोला करिए, ना नहीं सुनना है, समझ रहे? साइकोलॉजी में एक शब्द है, नेवर जस्ट गिव ए 0.5 सेकंड टू से नो। कभी भी आप नो नहीं बोलो, नो बहुत कम बोलो, ठीक है? इधर इधर देख लो, किसको उसको मिला, जिसको नहीं मिला वापस भेज देना ग्रुप में, एक बार भेज देना। पेज नंबर 97 उसमें नहीं है? अच्छा, जो आपको भेजा था 97 किस किस को है अभी, किसके पास पीडीएफ? अरे तो सब ना कौन बोल रहा है, फिर सब हाथ खड़े कर दिया, ना कौन बोल रहा है? अच्छा प्लीज एक बार वापस भेज दीजिए, जिनके पास है ग्रुप में भेज दीजिए, सेंड कर दिए जल्दी से। नहीं है, नहीं है मत बोलो, बस वेट करो, आ जाएगा। बच्चा लोग नहीं होता है, बच्चा लोग जैसी जैसी वो तो मतलब बचपना तो है ना, आप लोग भी तो बच्चे हैं, बूढ़े थोड़ी हो गए, मतलब एज से बच्चे हैं अब। अब बच्चों ने नहीं मिलेगा, नहीं 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 मिलेगा, नहीं मिलेगा, हो जाएगा लड़ाई, हो जाएगा। चलो 97 पे आ गए सब, हाँ या ना बोल लो अब। पढ़ा लेना, ऐसा थोड़ी है कि नहीं पढ़ाऊंगा, पढ़ाऊंगा ही। चलो आ जाओ 97 पे आ जाओ। बेसिक नॉलेज टू रीड लैंड फॉर्म, सुन लेना इधर, मैं आपको ऑन कैमरा फिर एक बात बता दे रहा हूँ, जो अभी पढ़ाने वाला हूँ टॉपिक, ये टॉपिक में सर बिना डिजिटल बोर्ड के कोई बड़े बड़े टीचर नहीं पढ़ाए हैं, मैं आपको पहले बता दूं। अभी तक जितना भी मैं पढ़ाया हूं उस सब का, वो सिर्फ मैं इस बात को समझ गया था कि ठीक है डिजिटल बोर्ड हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हो जाए तो कोई बुराई भी नहीं है। बट प्रॉब्लम ये है सर, जो आप आँख बंद करके महसूस करोगे ना, क्या बोलता हूँ कि आँख खोल के आप दो साइड देख सकते हो, तीन साइड देख सकते हो, लेकिन आँख बंद करके आप चारों साइड देख सकते हो। सुन पा रहे हैं? तो दो बातों का दिमाग में रखिएगा कि जब भी आप प्रैक्टिकली किसी चीज़ को आप महसूस कर लिए ना, काम बन गया आपका, और आप चाह रहे हो कि नहीं पढ़े तो बेकार है। तो थोड़ा सर एक और आपके लिए है विनती, अब आपके पास, अरे क्या हो गया, क्या प्रवास भेज दीजिए, आपके पास है? अच्छा बस हो गया, हो गया, रुक जाओ, ये तो हर कम मचा देते हैं, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, भेज देता हूँ, भेज देता हूँ, वेट। चला गया, चलो ठीक है, अब देख लीजिए इधर। तो उसमें अगर नहीं भी देख रहा है ना, उसमें नहीं भी दिख रहा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि टर्म अलग अलग है, बाकी अलग शुरुआत करेंगे। अब आपको मैं बेसिक रीड, उसमें जो है बेसिक नॉलेज टू रीड लैंड फॉर्म्स,
अभी मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कोई भी लैंडफॉर्म जो बन गया है, अरे डिस्टर्ब नहीं क्या करो, बोल दूंगा अभी खामोखा, उसके बाद शांत हो जाओगे सब, सुनो ध्यान से, पढ़ने पढ़ने से मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, मैं बहुत बहुत भद्दा मतलब गुस्सा आता है मुझे, सुनो पहले समझो ध्यान से कि मैंने बोला कि कोई भी अगर नॉलेज रीड कर रहे हो, मतलब कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले कुछ बेसिक नॉलेज दिमाग में रखना है, उसको थोड़ा समझ लीजिए। सबसे फर्स्ट, अगर सोच के देखो आप, अगर आप कोई भी स्ट्रक्चर देख रहे हो कि सर ये पहाड़ है, देख लिया आपने पहाड़ देखा आपने कि भाई ये समुद्र के अंदर ही है पहाड़, महासागर के अंदर ही है पहाड़, अब आप देख रहे हो ये महासागर के अंदर पहाड़ आ गया, तो सर इसका नाम क्या होगा और प्लस ये यहीं क्यों बना होगा, तो कुछ आंसर्स मैक्सिमम तो आपको मिल जाएंगे किसके वजह से, ओसनिक ओसनिक प्लेट, अरे कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस पढ़ा चुका हूं ना मैं, है ना, तो ओसनिक और ओसनिक में देखोगे उसके कारण सर आइलैंड बन रहे हैं, अब आइलैंड मैंने बोला था आइलैंड के साथ साथ वोल्केनिक माउंटेन भी बन जाएंगे, अब लेकिन वोल्केनिक माउंटेन बनने के बावजूद भी बहुत सारे फैक्टर आएंगे, और मैं पहले भी बोला हूं आपको कि मेरे फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ाते पढ़ाते सर दुनिया के सारे वो स्ट्रक्चर आप कहीं भी घूमने जाओगे ना देख के बता दोगे इसका नाम क्या है, ये क्यों बना है, ये पत्थर है तो यही क्यों है, गारंटी एकदम, बस उसको खाली रियलाइज करते जाना, सुन पा रहे हो, तो सबसे फर्स्ट आज जो इसमें है सर लैंडफॉर्म, इसके बाद एक जाएगा, पहले देख लो, कल मैंने आपको कल नहीं परसों ही सर पढ़ाया था मैंने आपको सिंकलाइन, एंटी सिंकलाइन और सिंकलाइन, तो उसका मीनिंग क्या है आप देख लो वहां पे पेज नंबर 97 पे दिख जाएगा, फिर भी मान लो कोई भी ऐसा मूवमेंट है वेव का, इधर देख लो, तो ऊपर वाला जो था इसको क्या बोल रहे हैं, एंटी सिंकलाइन, क्या बोल रहे हैं, और ये नीचे वाले को सिंकलाइन, सुन पा रहे हो, अब सर ये जो बताए हैं इस प्रोसेस को थोड़ा समझना क्योंकि इसका यूज आएगा, तो पहले देख लो क्या क्या है, पहला है सर कन्वर्जेंस बनेगा तो फोल्ड माउंटेन होगा, याद है कि भूल गए, फोल्ड माउंटेन डाइवर्जेंस के कारण बनता है, जब दो चीज पास में आएगा, मैंने बोला तो पास आके क्या उठ जाएगा वो, तो सर जब वो सेडिमेंट जमा था, अब सेडिमेंट जाता दोनों तरफ से प्रेशर आया उसको उठा दिया, तो कौन सा माउंटेन बना, फोल्ड माउंटेन, हिमालय भी एक एग्जाम्पल है फोल्ड माउंटेन का, किसका, लेकिन मैंने बोला था कि हिमालय भी अगर फोल्ड माउंटेन है और एंडीज भी फोल्ड माउंटेन है तो हिमालय का साइज बड़ा क्यों है, क्योंकि वहां डबल कन्वर्जेंस हुआ है, कितना कन्वर्जेंस, डबल कन्वर्जेंस, बाकी और जगह सिर्फ कितना कन्वर्जेंस, सिंगल कन्वर्जेंस, और सर एक बात बताओ हिमालय में मैंने बोला था अर्थक्वेक आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, अब वोल्केनो किसको सो लगता है वोल्केनो नहीं आएगा, हाथ खड़े करो, चलो ठीक है, अरे पहले बोला था वोल्केनो नहीं आएगा, अर्थक्वेक आएगा, वोल्केनो नहीं आएगा, बुझा रहा है सर, वोल्केनो क्यों नहीं आएगा, क्योंकि कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल प्लेट है, और सीसी प्लेट होगा तो वहां से कहां से सर आएगा, तो थोड़ा सा नाम महसूस करते जाओगे तो मजा आएगा, नहीं चाहिए, अब सर उसमें आपको दिखेगा एक वर्ड है सिमेट्रिकल, आप लोग सिमेट्री वगैरह तो टेंथ में भी पढ़े होंगे, सिमेट्री क्या होता है, किसी चीज का आधा, जैसे मान लो मैं खड़ा हूं मेरे को बीचों बीच काट दिया गया, तो जो इक्वल पार्ट जैसे अगर है तो दोनों साइड इक्वल होना चाहिए, उसको क्या बोलेंगे, सिमेट्री बोलेंगे, बुझा रहा है, अब सर मान लो एप्पल आपने काटा, एप्पल को काटने का अलग अलग तरीका है, एक आपने बीचों बीच काटा और एक आपने सर इधर काटा, तो बीचों बीच काटोगे वही आधा शेप वापस से जब उस पे आए मिल जाए तो उसको क्या बोलेंगे, सिमेट्री बोलेंगे, अरे है ना, अब सर आपने क्या किया इधर उधर आधा तिरछा काट दिया, अब वापस मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, तो दोनों में फर्क है, मुझसे मतलब नहीं है, मतलब इससे है कि सिमेट्री वही होता है जब कोई चीज बिल्कुल 50-50 हो जाए, सुन पा रहे, अब जरा नीचे आइए, वहां पे एक और दिखेगा फोल्ड माउंटेन, फोल्ड माउंटेन में आपको सिंकलाइन और एंटीक्लाइन वो पता है, नीचे आइए, नॉर्मल इज सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल आपको दिमाग में इतना रखना है कि सर आधा आधा 50-50 होगा, बाकी उसके बाद एक और आइए नीचे, एक उसमें एक टर्म दिखेगा एसिमेट्रिकल, दिख रहा है, और एक दिखेगा ओवर फोल्डेड, पक्का दिख रहा है, तो कुछ अब उस चीज को समझने के लिए ना थोड़ा सा मैं आपको एक और पीडीएफ अभी ग्रुप में भेजूंगा, उसे आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है, बाकी उसके बाद हम लोग कल उसको कंटिन्यू करेंगे, अभी एक काम करेंगे आप, अभी कुछ नहीं करेंगे, एक पेज नंबर आएगा 101 पे, जल्दी से आइए, क्विक आ गए, उसमें एक टेबल दिखेगा और ये टेबल आपको जीवन का आनंद जो है अलग देगा, ठीक पा रहे, जोर से बोलो, चलो तो पहला है उसमें अर्थ मूवमेंट में दो दिखेगा, एक इंडोजेनिक दिख रहा है और एक तरफ एक्सोजेनिक, क्या है, इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक, इंडोजेनिक इस सब आगे पढ़ाऊंगा आपको चिंता नहीं करना है, एक्सोजेनिक क्या है बस अभी समझने के लिए इतना याद रखना, एक्सोजेनिक जिस तरह से एक्सटर्नल और इंटरनल पढ़ रहे थे ना उसी तरीके से एक्सोजेनिक है, मतलब वो फैक्टर जो बाहर है, जैसे क्या क्या है एक्सोजेनिक में देखो क्या क्या है, फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल, आइस रिवर वाटर सी विंड अंडरग्राउंड वाटर, मतलब वो सारा फैक्टर जो हमारे एटमोस्फेयर में अवेलेबल है उसको क्या बोल रहे हैं, एक्सोजेनिक, अब ये कैसे होगा नहीं होगा कल बताऊंगा, उसके बाद सर नीचे इधर देख लो, बीच में आपको जहां इंडोजेनिक है वहां पे टाइप करके मैंने कुछ लिखा होगा, एक है सर डायस्ट्रोफिज्म, दिख पा रहा है, ध्यान से देखना छोटा सा होगा डायस्ट्रोफिज्म, और दूसरा होगा सडन मूवमेंट,
तो अगर अर्थ का देखो इंटरनल अंदर मूवमेंट अगर अचानक से होता है तो भूकंप आएगा। देखो मूवमेंट तो प्लेट का कॉन्टिन्यूस हो ही रहा है, आराम आराम से एक सीक्वेंस में हो रहा है सर। जैसे मैंने क्या बोला, आराम आराम से एक ट्रेन चल रही है, तो ट्रेन का एक कॉन्स्टेंट गति है। अच्छा अब ट्रेन ऐसे चले, आप समझ रहे सर, तो अगर क्या होगा, एक बार अचानक तेज फिर धीरे फिर तेज फिर धीरे, अगर ऐसा एक चल रहा है आप समझ रहे, कोई बचने वाला है क्या? नहीं बचेगा। कहने का मीनिंग क्या है, भूकंप कब आता है कि प्लेट का मूवमेंट सिस्टमेटिक आराम आराम से चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं था, जैसे ही सर प्लेट का मूवमेंट सडन या तो तेज हो गया या रुक गया या स्लो हो गया, तो सर उसके कारण झटके आने शुरू हो जाएंगे। तो सडन मूवमेंट के कारण ही तो अर्थक्वेक पढ़ाया था आपको, तो अर्थक्वेक सर वहां पे होगा। तो दो चीज मैंने बोला है, एक डायस्ट्रोफिज्म बोला है और दूसरा मैंने बोला है सडन मूवमेंट। अभी रुक जाना, सडन मूवमेंट मैंने कुछ लिखा होगा अर्थक्वेक एंड वोल्केनो। अभी सिर्फ मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपको ये टेबल इसलिए माइंड में डाल रहा हूँ क्योंकि कल जब मैं आपको बताऊंगा तो शब्द सिर्फ आपको ये ना लगे कि हम पहचान नहीं रहे, बस बाकी डिफाइन मैं कल ही करूंगा। नीचे आना, अब सर डायस्ट्रोफिज्म का टाइप है जो आपको मिलेगा वहां पे, एपिजोनिक और कॉन्टिनेंट फॉर्मिंग दिख रहा है, और उसका एक और टाइप है ओरोजेनिक और माउंटेन बिल्डिंग, दिख पा रहा है? और सर जो आपका एपिजेनिक है और कॉन्टिनेंट फॉर्मिंग, उसके नीचे अपवार्ड और डाउनवार्ड लिखा होगा, और जो आपका ओरोजोनिक है उसके नीचे टेंशन और कंप्रेशन लिखा होगा। टेंशन और कंप्रेशन टेंजाइल फोर्स अगर भी पढ़े होंगे आप लोग 10th 11th 12th में भी होता है, खैर बता दूंगा यहाँ पे भी। और कंप्रेशन है, तो कंप्रेशन कब होगा, जब कन्वर्जेंस होगा। अरे कंप्रेशन मतलब क्या होता है सर, कंप्रेस करना, तो कंप्रेशन जब करोगे मतलब पास आना तो कौन सा माउंटेन बनेगा, फोल्ड माउंटेन। और सर उसके बाद सर बाहर जाना तो कौन सा होगा, दूर, डाइवर्जेंस। तो सर उसी को क्या बोल रहे हैं, टेंशन। और डाइवर्जेंस के कारण कौन सा माउंटेन बनता था, ब्लॉक माउंटेन। अरे बोला था ना, जब दूर जाएगा तो कौन सा माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन। अब इसको समझने की कोशिश मत करना, अभी मैंने क्या बोला है इस टेबल पे, बस इतना दिमाग में रखना कि अर्थ का मूवमेंट है दो तरीके का, एक है इंडोजेनिक दूसरा क्या है एक्सोजेनिक। इंडोजेनिक का दो टाइप, डायस्ट्रोफिज्म और सडन मूवमेंट, सुन पा रहे हो? डायस्ट्रोफिज्म का दो टाइप है, एक है आपका इधर नीचे होगा तो एपिजोनिक, दूसरा होगा ओरोजेनिक। जहां पे भी ओरो शब्द मिलेगा ना, ओरो वो माउंटेन से रिलेटेड होगा, बताऊंगा आगे भी। और उसके बाद एक्सोजेनिक मतलब बाहरी सारे फैक्टर, वाटर एयर लैंड जितना भी टेम्परेचर सब, सुन पा रहे हो? बस अभी यहीं तक रहने देंगे, बाकी आगे कल करेंगे। अब आप एनसीईआरटी का जो चैप्टर है उसको एक बार पढ़ने का है, अब यहीं पे खत्म करना है सर, मैं आपके भरोसे नहीं रह सकता मैं तो। इधर सुन लो वंस मोर, मैं रिपीट कर देना एक बार और, जो नींद से जागे हैं जाग लीजिए। इधर अरे बस्ता उस्ता मत, अभी देख लो मेरी तरफ, दो काम है अभी क्विक, 20 मिनट में दोनों काम निपटाने हैं, जो सबसे पहले कर लेगा। आज बिस्किट लाया हूँ मैं, दूंगा इधर देख लो। हेलो, पहला रॉक याद है, कितने टाइप, क्विक बोलते जाओ तेज में, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, याद रहेगा? इग्नियस के तीन टाइप दिमाग में रहेगा, मैं बोलता जा रहा हूँ आप दिमाग रख लें, इग्नियस का तीन याद रहेगा, सेडिमेंट्री याद रहेगा, प्रोसेस डेनुडेशन सब याद रहेगा, मेटामॉर्फिक में याद रहेगा, ठीक है पक्का। अब उसके बाद लाइट डार्क एसिडिक को कैसे कन्वर्ट करना है, कहाँ डार्क कलर होगा, किसका स्लो मूवमेंट होगा, कौन ज्यादा क्रिस्टलाइन होगा, सब दिमाग में रहेगा। बहुत बढ़िया सर, मात्र दो मिनट दे रहा हूँ, नहीं पाँच मिनट दे रहा हूँ, बिना देखे बिना कुछ किए, जल्दी से क्विक लिख के मुझे बताओ क्विक, बिना देखे रॉक में जो भी आपको याद आ रहा है, जो अभी मैंने अभी जो पढ़ाया है, सभी को ये अपना पेज निकालिए और बिना बगल में देखे हुए पूरा का पूरा रॉक जो भी दिमाग में आ रहा है लिखते जाइए, जैसे भी आपको फैक्टर आ रहा है, मुझे बस देखना है, मैं सबका चेक करूंगा एक एक आदमी का। जल्दी तेजी में, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं दे सकता मैं क्योंकि पढ़वाना भी है अभी।